इधर हो जाओ, ये बीच में तो दिखे इतने। स्टार्ट करें। चलो हम लोग कल के 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं। कल के 3 चैप्टर्स बचे थे, लाइफ इन फॉरेस्ट, लाइफ इन ग्रासलैंड्स और लाइफ इन डेजर्ट्स। मतलब 3 अलग अलग, एक जंगल पढ़ेंगे फॉरेस्ट, एक डेजर्ट्स पढ़ेंगे, डेजर्ट्स में दोनों पढ़ेंगे हॉट और कोल्ड, और थर्ड ग्रासलैंड्स थे। ये क्या है ग्रासलैंड्स? ठीक है, लैंड के ऊपर क्या है? एनवी और उसके संबंधित वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन भी एक तरह का क्या हुआ? रिसोर्स। अभी हम लोग जो फॉरेस्ट पढ़ेंगे, ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे, डेजर्ट्स पढ़ेंगे, वो भी क्या हो गए? रिसोर्स हो गए। इसके अलावा लैंड के रिलेटेड रॉक्स, रॉक के रिलेटेड मिनरल्स और सॉइल, ये भी खुद में क्या है? रिसोर्स। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स भी क्या है? रिसोर्स। हम लोग भी क्या है? स्पेशल रिसोर्स है। और इन सबका यूज़ कौन करता है? ह्यूमन बींग्स, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ह्यूमन बींग्स का रिस्पॉन्स इम्पॉर्टेंट है, कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उस एरिया को या उस एनवायरनमेंट को। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेन क्या है? ह्यूमन एडेप्टेशन। तो ह्यूमन एडेप्टेशन के पैटर्न्स को बताने के लिए आपको इस एनसीईआरटी में 3 चैप्टर्स दिया है।
कि किस तरह से इंसान डेजर्ट्स में रहता है, किस तरह से इंसान फॉरेस्ट में रहता है और किस तरह से वो ग्रासलैंड्स में रहता है। फिर कल हमने अपने दो केस स्टडी देखा था, एक विशाखापट्टनम और छत्तीसगढ़ वाला और दूसरा राजस्थान। फिर वहाँ पर डिस्कवरी क्या हुआ ऑयल का और वहाँ का पैटर्न चेंज हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ह्यूमन एडेप्टेशंस के। ठीक है, तो उसमें हम लोग तीन आइन पढ़ेंगे कि इंसान किस तरह से इतने हार्श एनवायरनमेंट में रहता है। जंगल में भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी कि कम? तो आंसर है कम। डेजर्ट्स में भी कैसे क्या पॉपुलेशन रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, तो वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। फर्स्ट ग्रासलैंड क्या है? तो ग्रासलैंड से टाइप ऑफ क्या है? एनवी था। एनवी में मैंने कल आपको तीन नाम बताया था, कौन कौन से? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और थॉर्नी बुशेस या फिर स्क्रब्स। ठीक है, इवन टुंड्रा को भी आप कह सकते हो। वो क्या हो गया? तो सब एनवी हो गया। एनवी बोले तो वेजिटेशन। उसके बाद उसमें से हमारा एक डोमेन है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड कहाँ पे मिलेंगे? तो ग्रासलैंड आपको वर्ल्ड के इंटीरियर्स में मिलेंगे, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में। ठीक है, अगर ये एक कॉन्टिनेंट का मैप है तो इसमें एक साइड में फॉरेस्ट होगा तो एक साइड में क्या होगा? डेजर्ट्स। दोनों के बीच में क्या मिलेगा? ठीक है, उसको हम लोग ग्रासलैंड्स कहेंगे। ठीक है, डेजर्ट्स को लग के कभी भी फॉरेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा बीच में क्या रहेगा? ग्रासलैंड्स। अब वर्ल्ड में क्लाइमेट के आधार पर ग्रासलैंड दो है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक पैटर्न। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट ग्रासलैंड का डेफिनेशन क्या है कि ग्रासलैंड कम्युनिटी में डोमिनेट क्या रहेंगे? ग्रासेस। लेकिन ग्रासेस ही नहीं रहेंगे, साथ साथ में कौन से प्लांट्स रहेंगे? नॉन वुडी प्लांट्स रहेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। ये सब क्या हो गए? वुडी कि नॉन वुडी? वुडी होगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट डेसिडियस ये कैसे? वुडी प्लांट्स रहेंगे ना। लेकिन ग्रासलैंड में आपको ज़्यादातर क्या मिलेंगे? नॉन वुडी प्लांट्स। बनाना ट्री कैसा है? बनाना और बनियान। बनाना कैसा है? नॉन वुडी। लेकिन बनियान ट्री, इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? बनियान ट्री। ठीक है, दूसरा इसके अलावा ग्रासलैंड में इसका मतलब नहीं कि ग्रासेस हैं, पेड़ नहीं है। ग्रासलैंड में आपको पेड़ भी मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? स्कैटर्ड ट्रीज और साथ साथ में बुशेस। इसके अलावा ग्रासलैंड किस एरिया में रहेंगे जहाँ पे कैसा रहेगी बारिश? एक तो मॉडरेट रहेगी या फिर ऑलमोस्ट लो रहेगी। ऐसे एरियाज में क्या बनेंगे? अगर ज़्यादा ही मॉइस्चर रहेगा तो वहाँ पर क्या रहेगा? फॉरेस्ट रहेगा। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी एरिया का एनवी दो एरिया पर डिपेंड करेगा, उसका टेम्परेचर और उसका मॉइस्चर। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर की वेरिएबल्स। ठीक है, आप प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हो। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर की वेरिएबल्स रिलेटेड विथ नेचुरल वेजिटेशन, इवन ग्रासलैंड के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ। तो ग्रासलैंड के लिए बारिश कैसी है? मॉडरेट या फिर लो रेनफॉल, एकदम ऑलमोस्ट लो रहेगी रेनफॉल, तो डेजर्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरा कितने टाइप के ग्रासलैंड? तो आपको सिर्फ दो तरह के ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ठीक है, अब उसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ मिलेगा? दोनों इक्वेटर के ऊपर में भी मिलेगा और साउथ में भी, फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। और कब तक एक्सटेंड होगा? कहाँ तक? जहाँ तक ये है ट्रॉपिक, इसलिए नाम क्या दिया? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ पे भी बारिश कैसी चाहिए? वैसी जैसे कि मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। थर्ड, यहाँ की हाइट देखो, ग्रास की हाइट कितने तक जा रही है? 3 to 4 meters, मतलब काफ़ी बड़े बड़े हाइट्स देखी जाती ग्रास की। इसकी एक खास बात ध्यान रखना, दो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो ग्रासेस है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के ग्रास की हाइट ज़्यादा रहेगी। इसका उल्टा, टेम्परेट ग्रासलैंड की ग्रास की हाइट कम रहेगी। ये दो डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की ग्रास ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं रहेगी। इसका मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड की ग्रास कैसी रहेगी? न्यूट्रिशियस। हम लोग ग्रास खाते हैं क्या? खाते हैं। कौन कौन से एग्जांपल बताइए, कौन से ग्रास हम लोग रोज खाते हैं? रोज खाते हैं। कौन सी ग्रास हम रोज खाते हैं? हाँ, कोरिएंडर ग्रास की वैरायटी में नहीं आता, कोरिएंडर ग्रास की वैरायटीज में नहीं आता, वो हर्ब्स में आता है, HERB। कौन सी ग्रास रोज खाते हैं? मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हैं। राइस। राइस क्या है? ग्रास। वीट भी क्या है? वो भी क्या है? ग्रीन्स। वो मतलब उनका पैटर्न देखा ना, वो वुडी होते कि नॉन वुडी होते? ठीक है, घास की फसल देखा ना आपने, इसकी गेहूँ की फसल, राइस की फसल देखा कैसी होती है? ग्रास का वैरायटी है कि नहीं? ठीक है, ये आर्टिफिशियल ग्रास है कि नेचुरल ग्रास है? नेचुरल ग्रास है, लेकिन आर्टिफिशियली लगाया जाता है कि नहीं? ठीक है,
तो आपको फैक्ट का ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की ग्रास की हाइट ज़्यादा होती है, टेम्परेट ग्रास की हाइट कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसुलेशन ज़्यादा कहाँ है ट्रॉपिक में, और धूप कहाँ कम है टेम्परेट में। दूसरा फैक्ट देखना है न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट, किसके न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, टेम्परेट के ज़्यादा अच्छे रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। ठीक है, आपका ही फैट आपको लर्न कराता हूँ, राइस और वीट, ठीक है, चावल और रोटी में ज़्यादा न्यूट्रिशंस क्या होता है? हाँ, क्या होता है? चावल खाना चाहिए कि राइस खाना चाहिए ज़्यादा, सॉरी चावल खाना चाहिए कि वीट खाना चाहिए, मतलब रोटी ज़्यादा खाना चाहिए कि चावल? ज़्यादा अच्छा क्या है? वीट। ठीक है, इसका मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशंस कौन सा है, राइस हुआ कि वीट हुआ? वीट। तो ये फैक्ट बराबर हुआ ना कि टेम्परेट ग्रासेस आर मोर न्यूट्रिशंस दैन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, कह सकते हैं, क्योंकि राइस कौन सा क्रॉप है? ट्रॉपिकल। राइस कौन सा है तो ट्रॉपिकल, और वीट कौन सा है? टेम्परेट क्रॉप। ये फैक्ट ध्यान रखना, राइस को धूप चाहिए कि नहीं अच्छी, कौन से रीजन? जहाँ पे अच्छा पानी, जहाँ पे अच्छी धूप, वहीं पे राइस अच्छा होता है। और गेहूँ को ज़्यादा धूप चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, तो एक ही फैक्ट ध्यान रखना कि राइस इज ट्रॉपिकल क्रॉप वेर एज वीट इज टेम्परेट क्रॉप। इसका मतलब ये भी हुआ कि वीट ज़्यादा न्यूट्रिशियस हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही फैक्ट बताया कि टेम्परेट ग्रासलैंड मोर न्यूट्रिशियस दैन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दूसरा और एक फैक्ट ध्यान रखना ट्रॉपिकल रिस्क का, क्या बता रहा था इसमें? राइस इज इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो ट्रॉपिकल इंडिया है वहाँ पे कौन सा क्रॉप ज़्यादा होगा? राइस की वीट, राइस। और वीट ज़्यादा कहाँ होगा? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर लोग पराठे खाते हैं, और साउथ इंडिया के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी वैसी है। ठीक है, तो फैक्ट क्या हुआ कि राइस इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप वेर एज वीट इज़ अ टेम्परेट क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट एरियाज देखो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ मिलेगा? तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका का सवाना ग्रासलैंड। सवाना, द टर्म सवाना मीन्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, एंड द टर्म स्टेपीज मीन्स टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, अब इस ग्रासलैंड पे हर्बीवरस एनिमल्स कौन कौन से हैं? अब ग्रासलैंड एक क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, मतलब इस एरियाज में सबसे मेन फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही, ग्रास से। और ग्रास की, अगर इसके ग्रास के प्रेडेटर नहीं रहेंगे तो ग्रास का पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो प्रेडेटर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ एक मेक से कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पर हर्बीवर्स एनिमल्स कौन कौन से हैं? एलिफेंट्स, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, ये ज़्यादातर क्या है? हर्बीवर्स। और लेपर्ड्स वगैरह किस में आएंगे? कार्निवर्स में। मैंने कल दो लायंस के नाम बताया था, एशियाटिक लायंस एंड अफ्रीकन लायंस। ठीक है, वर्ल्ड में कौन से कंट्री में एशियाटिक लायंस है सिर्फ? नहीं, वर्ल्ड में कौन से कंट्री में ज़्यादातर एशियाटिक एलिफेंट्स है, मतलब दुनिया के 70% एलिफेंट्स एशियाटिक एलिफेंट्स कौन से कंट्री में है? तो इंडिया। और अफ्रीका में भी क्या है? एलिफेंट्स है। अफ्रीका में लायंस भी है, और इंडिया में भी क्या है? लायंस है। तो ये वहाँ के क्या हो गया, लायंस क्या हो गया? तो कार्निवोरस, और बाकी क्या हो गया? हर्बीवोरस। इनका होना ज़रूरी है कि नहीं? अगर ये लोग नहीं होंगे तो किसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी? सवाना ग्रासलैंड, मतलब प्रेडेटर होना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ का रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं? तो ये रेगुलेशन है। लेकिन अगर हम लोगों ने इन एनिमल्स का पोचिंग किया, ठीक है, तो किसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ग्रासलैंड का पॉपुलेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट, इंडिया में ज़ेब्रा मिलते हैं कि नेचुरल में? नहीं। इंडिया में जिराफ मिलता है कि नेचुरल में? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी में फिर दूसरा दिया है, कौन सा ग्रासलैंड? टेम्परेट। ये कहाँ मिलेंगे? तो आपको तो फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन। मिड क्यों लिखा है? क्योंकि टेम्परेट का, टेम्परेट को आप क्या कह सकते हैं? मिड, एक ट्रॉपिकल ऊपर का पोल्स, दोनों के बीच का मिड वाला टेम्परेट। इसके अलावा दूसरा, ये कहाँ मिलेंगे? कॉन्टिनेंट्स के एक इंटीरियर में, बराबर बीच में मिलेंगे आप। इसके अलावा ये कहाँ मिलेंगे? तो कैंसर के ऊपर और कैप्रिकॉन के नीचे, जहाँ पे ट्रॉपिक्स खत्म होता है। उसके बाद ज़्यादातर कहाँ लोकेट होंगे? टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन में, या फिर कोल्ड डेजर्ट्स में भी देख सकते हैं। इवन लद्दाख में भी आपको घास मिलेगी, रेफर्ड एज टेम्परेट ग्रासलैंड ड्यू टू हाइट। इसके अलावा ग्रास की हाइट कैसी रहेगी? स्मॉल, लेकिन क्या रहेंगे? वो न्यूट्रिशियस रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इनको, इन एनिमल्स का प्रेडेटर कौन कौन सा है? इन ग्रासेस का प्रेडेटर वाइल्ड बफेलोज। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा वाइल्ड बफेलोज है? बफेलोज जानते ना, ये अपने घर जो है वो डोमेस्टिक बफेलोज है, पर कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा वाइल्ड बफेलोज? उसका आंसर है
इंडिया, आसाम, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा 60-70% वाइल्ड बफेलोज कौन से कंट्री में है? काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम। इवन आपको राइनोसरस भी कहाँ मिलते ज़्यादा इंडिया के? आसाम। तो वाइल्ड बफेलोज और राइनोसरस यहीं पे क्यों ज़्यादा है? इसका मतलब कि आसाम की ज्योग्राफी अच्छी है, यहाँ पे धूप भी अच्छी है, बारिश भी अच्छी है और घास भी ज़्यादा लगती है। इनको कंट्रोल करने के लिए राइनोसरस भी है वहाँ पे और एलिफेंट्स भी है, ठीक है। और इवन मैंने क्या बताया, वाइल्ड बफेलोज भी हैं, इवन वहाँ पे टाइगर भी मिलता है। काजीरंगा गुड फॉर टाइगर्स, काजीरंगा गुड फॉर लेपर्ड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क गुड फॉर राइनोसोरस, गुड फॉर एलिफेंट्स, ठीक है। राइनोसोरस भी वहाँ मिलते, और सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड बफेलोज। काजीरंगा नेशनल पार्क सिर्फ गेंडों के लिए या राइनोसोरस के लिए फेमस नहीं है, और कौन सा एनिमल बताया मैंने? वाइल्ड बफेलोज और पिग्मी हॉग करके। पिग्मी हॉग बोले थे वर्ल्ड के सबसे छोटे पिग, जो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट पिग्स में आते हैं, ठीक है। और इनका पॉपुलेशन राइनोसोरस पर डिपेंड है। तो पिग्मी हॉग ये वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट पिग्स में से आते हैं। और इंडिया में ये कहाँ मिलते हैं? सिर्फ एक ही जगह पे, नेशनल पार्क का नाम काजीरंगा नेशनल पार्क। तो थ्री एनिमल्स जो यूनिक है काजीरंगा के, राइनोसोरस और पिग्मी हॉग, ठीक है। और दूसरा क्या बोला था आपने? वाइल्ड बफेलोस, ठीक है। नेक्स्ट बाइसंस, कल फोटो दिखाया था मैंने बाइसंस। दूसरा एंटीलोप्स, डियर और एंटीलोप के क्या फ़र्क होता है? नहीं पता, डियर्स और एंटीलोप्स में? हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। डियर्स और एंटीलोप्स में बेसिक फ़र्क, नीलगाय देखा है? नीलगाय देखा है ना, और चित्तल भी देखा है, ठीक है। दोनों के फ़र्क में क्या है? तो हॉर्न्स का फ़र्क होता है। डियर्स की जितनी भी वेराइटीज़ है ना, वो लोग अपने जो हॉर्न्स होते हैं उनको शेड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। लेकिन जो एंटीलोप्स होते हैं वो कभी शेड नहीं करते, मतलब जब से वो बच्चा पैदा होता है एंटीलोप्स का और उसके एंडिंग तक वो एंटीलोप्स वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ एंटीलोप्स, एग्जांपल ऑफ एंटीलोप्स, मैंने कह ही पढ़ा था कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो जो नाम आएगा उनको प्लीज़ देखिएगा। ये कौन सा एनिमल है? राजस्थान के डेजर्ट्स में रहने वाला, ग्रासलैंड्स में रहने वाला ब्लैक बक। और ब्लैक बक के हॉर्न्स देखिए, दिख रहा है ऐसे हेक्सागोनल शेप में से कर्व हो रहे हैं। ये एंटीलोप है ना कि डियर, ये क्या हो गया? एंटीलोप। दूसरा एंटीलोप का फोटो, ये आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? तो ड्राई रीजन्स में मिलेगा, एरिड रीजन्स में ज़्यादा मिलता है, ये ह्यूमिड में नहीं रहता। इवन इसका बैकग्राउंड का फोटो समझने की कोशिश करो, जब भी फोटो देखेंगे तो फोटो को स्टडी करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, इस फोटो में वुडी प्लांट्स दिख रहे हैं कि ग्रासेस दिख रहे हैं? ग्रासेस दिख रहे हैं। और बैकग्राउंड ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है कि डेजर्ट्स टाइप की दिख रहा है? डेजर्ट्स। तो ये एक प्रकार का क्या है? एंटीलोप। एंटीलोप का मतलब ये जिंदगी भर अपने शेड, ये जो हॉर्न्स है, कभी नीचे नहीं करेंगे। और ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इनके हॉर्न्स क्या होंगे? बड़े होंगे। जैसे कि एक अगर हॉर्न देखा आपने, उसको ऐसे दो ही रिंग है और एक को छः रिंग है, तो किसकी एज ज़्यादा हुई? छः रिंग्स वाली, ठीक है। दिख रहा है ये शेप? ये ब्लैक बक सलमान खान इशू, ठीक है। दूसरा, और ये फीमेल्स है, फीमेल्स को क्या नहीं होते? हॉर्न नहीं होते। और मेल्स को होते। कल देखा था मोनल क्या था? बर्ड था ना, ठीक है। वो कहाँ मिलता है? उत्तराखंड का एनिमल था। अब दूसरा देखो, ये हो गया ब्लैक बक। अब इसके और उसके कलर में सेम है कि अलग अलग है? अलग है, अलग है। ये उसका थोड़ा ब्लैकनेस था, ये कंप्लीट ये है, मतलब ये ऐसे ज्योग्राफी में रहेगा जहाँ पर उस तरह का पैटर्न होगा। ये आपको इवन गुजरात में भी मिलेगा, राजस्थान, गुजरात और उसके आसपास के एरियाज में मिलेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो सिंकारा। इसको क्या कहते हैं? ये मेल सिंकारा, ये फीमेल सिंकारा, ठीक है। इसका पैटर्न देखिए, इसके हॉर्न सेम है क्या? नहीं। उसके हॉर्न्स में कैसे थे? ऐसे जिगजैग नेक थे। ये कैसे? इसमें से रिंग्स लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया? सिंकारा। ये भी आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? तो ह्यूमिड इंडिया की, एरिड इंडिया में, एरिड इंडिया की तरफ जहाँ जहाँ पर है। थर्ड एग्जांपल, ये डियर का एग्जांपल है, चीता जैसी डियर, इसलिए चित्तल है ना, स्पॉट्स। इसको क्या कहते हैं? चित्तल। और इसके हॉर्न्स देखिए, इसके हॉर्न्स में उतना हार्डनेस दिख रहा है कि जैसा था?
नहीं मतलब ये अपने पर्टिकुलर टाइम में हॉर्न्स को क्या करेगी, शेड कर देगी, इसलिए किसकी वैरायटी आ गई, चीतल। ठीक है, ये भी डियर की वैरायटी, इसका नाम क्या है, बारह सिंगा है, तो दो सिंग पर उसके अलग अलग शेड्स हॉर्न्स निकले। देखो बारह सिंगा दिख रहा है, थर्ड एग्जांपल। कभी डियर देखा है जिसके ऐसे दांत निकलते हैं, देखा है ऐसे दांत निकलते हैं वॉलरस जैसे, उसका नाम हाँ यही है। देखो अब यहाँ पे नहीं है पर यहाँ पे दांत है, कितना यूनिक क्रिएचर है ये। ठीक है, इसका नाम क्या है, मस्क डियर। इसके पेट से क्या निकाला जाता है, कस्तूरी, मतलब इसका भी इलीगल पोचिंग होता है। और ये सिर्फ कहाँ मिलेगा, तो हिमालय इकोलॉजी में, मतलब ये ज़्यादातर आपको हिमालय इकोलॉजी या उस एरियाज में मिलेंगे। मस्क डियर हिमालय, मतलब आपको सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में मिल सकते हैं, इवन आपको उत्तराखंड की पहाड़ी में भी क्या मिलेंगे, मस्क डियर। ये साउथ इंडिया में कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अब इस मैप में देखिए, इस मैप में ज़्यादातर वर्ल्ड के टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, वर्ल्ड के टेम्परेट ग्रासलैंड्स का नाम देखिए, कहाँ कहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। फर्स्ट कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, इसमें सिर्फ मैथ्स का कॉलम ध्यान रखना है कि कौन से नाम कहाँ पर है। कैंटरबरी प्लेन्स कौन से कंट्री में है, तो न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ट्रॉपिक में है कि टेम्परेट में है, तो कैंटरबरी प्लेन्स कहाँ पर है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में रिसोर्सेज बहुत ही कम है, यहाँ पे जंगल बहुत कम है, और ज़्यादातर क्या है तो ग्रासलैंड्स है। और यहाँ का ज़्यादातर इनकम किस पे चलता है, तो लाइफ स्टॉक रियरिंग पे। डेयरी इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कहाँ की है, न्यूजीलैंड। इवन अर्जेंटीना की भी डेयरी इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड की बेस्ट है। अब डेयरी इंडस्ट्रीज बेस्ट है मतलब वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है, एनिमल्स लाइफ स्टॉक्स ज़्यादा है, और लाइफ स्टॉक के लिए क्या चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए या फिर घास चाहिए खाने के लिए, इसलिए अर्जेंटीना का क्या होगा ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर इन दोनों में डेयरी इंडस्ट्रीज़ का है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेयरी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, मिल्क एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, तो न्यूजीलैंड का कैंटरबरी प्लेन्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। थर्ड वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, VLDS, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। फोर्थ पंपास एंड कंपोज ऑफ अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना का है प्रॉपर, कंपोज थोड़े ऊपर है, कंपोज और ऊपर वाला कंपास। ठीक है, स्टेपी मैंने पहले ही बताया था, स्टेपी बोले तो कीवर्ड क्या था, टेम्परेट ग्रासलैंड, और रीजन का नाम क्या, पेंटागोनिया डेजर्ट। पेंटागोनिया दुनिया का कोल्ड डेजर्ट में से आता है, पेंटागोनिया, ये एंडीज माउंटेन के रेन शैडो में, एंडीज माउंटेन की छाव है ना इधर, इसलिए रेन शैडो आ गया, तो क्या बन गया, पेंटागोनिया डेजर्ट। और इस एरिया में क्या है, तो ग्रासलैंड, कौन से कोल्ड वाले, तो स्टेपीज हो गए। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच देखो, कॉन्टिनेंट के बीच में, उनका नाम क्या है, प्रेरीज, उनका नाम क्या है, प्रेरीज। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका का डेजर्ट देखो, शुहान डेजर्ट्स, वहाँ पे भी क्या मिलेगा, छोटे से ग्रासलैंड। इसके अलावा यूरोप के क्या है, स्टेपीज, स्टेपीज मतलब इवन सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज है, वहाँ पे भी आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे। इवन मंगोलिया में भी क्या मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अमूर नदी, अमूर नदी कहाँ पे है, तो ऐसी रिवर जो रशिया और चाइना को डिवाइड करती है, उस रिवर का नाम क्या है, मतलब रशिया की ज्योग्राफी भी चाइना को लगती है, और दोनों की ज्योग्राफी में कौन सी रिवर जाती है, अमूर रिवर। उस एरिया में भी आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, दुरियन ग्रासलैंड। इसके अलावा माउंटेन ग्रासलैंड ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पे देखो इथियोपिया एरियाज में भी पहाड़ी की हाइट ज़्यादा होने के वजह से वहाँ पे भी आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, इनमें से आपको कौन कौन से नाम ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी में दिए हैं, तो कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनको प्लीज़ ध्यान रखिए। और स्पेशल इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इवन इंडिया में भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, उनका फोटो दिखा दो आपको, ये ट्रॉपिकल रीजन में है, पर अल्टीट्यूड की वजह से थोड़ा सा टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों में आते हैं। इंडिया में भी, भारत के ज़मीन में भी बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया में ग्रासलैंड नहीं है, इंडिया भी हब है ग्रासलैंड्स का। एग्जाम्पल ये इंडिया के यूनिक ग्रासलैंड्स, ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो साउथ इंडिया में मिलेंगे।
इंडिया में भी बहुत एरियाज़ में ग्रासलैंड है, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो आपको अगर किसी ने पूछा कि इंडिया में फॉरेस्ट ज़्यादा है तो ग्रासलैंड, तो हम लोग सॉफ्ट कह सकते हैं ग्रासलैंड ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया में भी देखो एक ग्रासलैंड का नाम क्या है, शोला, और ये तो शोला यूनिक ग्रासलैंड्स है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, तो नीलगिरी के पहाड़ियों पर, वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ियों पर। इनका फोटो देखो, देखो नीलगिरीज के हाइटेड एरियाज पर, जहाँ पर हाइट बढ़ेगी वहाँ पे स्वाभाविक पेड़ कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। तो ये ग्रासलैंड देखिए, नीचे वैलीज में देखो डेंस फॉरेस्ट दिख रहा है, और माउंटेन के टॉप पे सॉइल कैसी होती, थिक के थिन, थिन इसलिए ऐसे है। और वैलीज में देखिए बराबर जेंटल स्लोप है कि नहीं, ये जेंटल स्लोप हुआ कि नहीं, तो जेंटल स्लोप पर बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि वहाँ पर वैली कैसी होती, थिक सॉइल कैसी होती है, थिक। और ये शोला ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ इंडिया, कहाँ पे है ग्रासलैंड, तो साउथ इंडिया, नीलगिरीज और आसपास के तीन स्टेट जैसे कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, इनके आसपास एरियाज पे आपको अन्नामलाई पहाड़ी पर मिलेगा शोला ग्रासलैंड्स। ये देखो कर्नाटका का कुद्रू मुख नेशनल पार्क, इंडिया का सबसे अच्छा आयरन ओर यहाँ पे भी मिलता है, कुद्रू मुख। कुद्रू का मतलब हॉर्स और मुख का मतलब उसका हॉर्स के मुँह के शेप की पहाड़ी, नेशनल पार्क का एरिया। के फॉर कुद्रू मुख, के फॉर कर्नाटका। और यहाँ पर आयरन और रिजर्व्स बहुत ज़्यादा मिलता है, स्वाभाविक है, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया होगा, पहाड़ी का एक्सट्रैक्शन क्या किया होगा, आयरन और रिजर्व्स, जिसका इंपैक्ट इस ग्रासलैंड्स को पड़ रहा है। कौन सा, शोला ग्रासलैंड, ये भी इंडिया के ग्रासलैंड के एग्जांपल है। दूसरा, इंडिया में और क्या ग्रासलैंड है, तो ये ग्रासलैंड है। तेराई ग्रासलैंड, ये कहाँ मिलेगा आपको, तो शिवालिक पहाड़ी के नीचे, शिवालिक माउंटेन जानते हो ना, तो शिवालिक माउंटेन जैसे ऐसे लंबे जा रहे हैं, जितने जितने लंबे हैं, तो ही शिवालिक माउंटेन्स के फुट हिल्स के पास, उनके पैर के आसपास में क्या मिलेगा आपको, तेराई ग्रासलैंड। तो तेराई एक इंपॉर्टेंट लैंडस्केप है, ये तेराई ग्रासलैंड का फोटो है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये देखिए शिवालिक के ठीक आसपास उनके पैरेलल में कौन सा ग्रासलैंड है, तेराई ग्रासलैंड। ये भी इंडिया के बेस्ट न्यूट्रिशियस ग्रासलैंड के एरियाज में आते हैं, और यही ग्रासलैंड आगे जाके एक्सटेंड होता है ये पर्पल कलर का, इसको भी कहा नाम क्या है, तो तेराई ग्रासलैंड का है। दोनों तेराई ग्रासलैंड में फर्क क्या है, तो ये जो तेराई ग्रासलैंड है ये वाला आपका, इस ये है तेराई ग्रासलैंड शिवालिक के ठीक नीचे, इसको भी तेराई कह सकते हैं, लेकिन इसका लोक इसका नाम है दुआर्स, मतलब ईस्टर्न तेराई रेफर्ड एज दुआर्स। हम बड़े एनसाइटीज में पढ़ेंगे ईस्टर्न तेराई रेफर्ड एज दुआर्स। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कौन से ग्रासलैंड की हाइट ज़्यादा है, तो इस एरिया की, इसकी घास आपको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न तेराई। खाजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क कहाँ मिलेंगे, तेराई में कि दुआर्स में, दुआर्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे इसकी ग्रास की हाइट ज़्यादा होती है, इतनी हाइट कि हमको राइनोसोरस भी दिखेगा नहीं अगर उस घास के एरियाज में, ठीक है। तो इंडिया के दो ग्रासलैंड का नाम ध्यान रखना, दो कम से कम दो, कौन कौन से, तेराई ग्रासलैंड जो शिवालिक के पास में, और दूसरा शोला ग्रासलैंड जो ट्रॉपिक से काफ़ी नीचे में है, ठीक है। थर्ड ग्रासलैंड का नाम डुआर्स, ये इंडिया का और भी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स का पार्ट है। लास्ट है, इंडिया में पहले ही बता रहा ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सिर्फ डिफॉरेस्टेशन ही नहीं हो रहा है, इंडिया में ग्रासलैंड के इशू उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ग्रासलैंड पे कम फोकस करते हैं हम लोग। ये ग्रासलैंड देखिए, ये देखो पैचेस दिख रहे कि नहीं, इस ग्रासलैंड का नाम है बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है, तो गुजरात में है, और गुजरात में कौन से एनिमल्स फेमस है, तो ये वाइल्ड एस, जंगली गधे, ठीक है, इनको वाइल्ड एस कहते हैं, जंगली गधे। इनका फोटो देखिए वाइल्ड एस का, और यहाँ पर आपको बन्नी ग्रासलैंड का फोटो दिखाया जा रहा है। और बन्नी ग्रासलैंड ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, तो रण ऑफ कच्छ में, रण ऑफ कच्छ में,
ये देखिए गुजरात का मैप, गुजरात का कौन सा एरिया, कच्छ, और उस रन ऑफ कच्छ के एरियाज में कौन सा ग्रासलैंड है, ये बन्नी रीजन, बन्नी ग्रासलैंड। और ये न्यूज़ में क्यों पूछेंगे, क्योंकि चीता का रिलोकेशन सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट यही करने वाला था, बन्नी ग्रासलैंड, पर गुजरात गवर्नमेंट के परमिशन ना देने की वजह से हम लोगों ने चीता को कहाँ रिलोकेट किया, कुनू पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश ग्वालियर रीजन। तो बन्नी ग्रासलैंड कहाँ, इतना ध्यान रखना है, कहाँ पे, गुजरात, ठीक है। पर अगर यहाँ पे लायंस रखते तो थोड़ी ही दूर पर नीचे में कौन सा कंट्री है, लायंस है, इसलिए इशू हो सकते थे, इसलिए गुजरात गवर्नमेंट ने बन्नी के परमिशन नहीं दिया। तो कम से कम तीन नाम ध्यान रखना है, शोला ग्रासलैंड ऑफ साउथ इंडिया गुजरात के, बन्नी ग्रासलैंड्स एंड तेराई एंड द्वार्स ऑफ शिवालिक फुटहिल्स। नेक्स्ट, अब इनके नाम ध्यान रखना है मैजा कॉलम के लिए, ये सभी एंसर दिया है, ग्रासलैंड टेम्परेट और ट्रॉपिकल, इनके नाम ध्यान रखना है मैजा कॉलम, अफ्रीका का सवाना, कैंपोस ब्राज़ील, ठीक है, पंपास अर्जेंटीना, लानोस वेनेजुएला, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेल्स ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया के स्टेपीज और डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और कैंटरबरी प्लेन्स न्यूजीलैंड, ठीक है, इन सब के नाम लिख के दिया है मैंने, प्लीज़ वर्ल्ड के जितने भी, इतना भी पढ़ ली काफ़ी, इसे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा लिख के दिया है मैंने। अब इस साउथ अमेरिका का मैप, साउथ अमेरिका के मैप में टोटल 12 कंट्रीज आती है, उसमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी, तो ब्राज़ील, ठीक है, और ब्राज़ील में सबसे बड़ा कौन सा जंगल है, तो शेलवास का जंगल, शेलवास इज अ नाम, इज अ नेम ऑफ फॉरेस्ट, ना कि ग्रासलैंड, शेलवास क्या है, तो एक फॉरेस्ट है, और ये फॉरेस्ट का जंगल का नाम क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, तो शेलवास मतलब क्या है, तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, पॉइंट फर्स्ट। और एक रेन फॉरेस्ट कौन से रिवर की वजह से बना है, अमेजॉन, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन, जो निकलती कौन से माउंटेन से, एंडीज से, और डूबती कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन के इक्वेटोरियल रीजन पे, अटलांटिक ओशन के इक्वेटोरियल रीजन पर, बराबर इक्वेटर पर ये रिवर ड्रेन करती है, मतलब दुनिया की लार्जेस्ट रिवर ड्रेन कहाँ करी, तो इक्वेटर पर कर रही है, निकल कहाँ रही, ए फॉर एंडीज, ए फॉर अमेजॉन एंड ए फॉर अटलांटिक ओशन। इसके अलावा इस मैप में कौन कौन से ग्रासलैंड के नाम है, तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम हो लानोस वेनेजुएला का, ये ब्राज़ील का कंपास, ब्राज़ील का कंपास, अर्जेंटीना का टेम्परेट ग्रासलैंड पंपास, कंपास एंड पंपास, ठीक है, पेंटागोनिया स्टेपीज, ये कोल्ड है, पेंटागोनिया स्टेपीज, तो पेंटागोनिया एक प्लेट्यू का नाम है, डेजर्ट्स का नाम, जो किसके रेन शेडो पे बना है, एंडीज, तो इसमें से फॉरेस्ट क्या नाम है, शेलवास, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये टेम्परेट ग्रासलैंड, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, वेनेजुएला अर्जेंटीना। तो ये हो गया ग्रासलैंड्स के बारे में। अब नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन का लास्ट एग्जांपल टुंड्रा, टुंड्रा कहाँ मिलेगा, तो बियॉन्ड 65 के काफ़ी ऊपर मिलेगा, मतलब 70 डिग्री के ऊपर। मैंने तैगा के लिए फार्मूला क्या बताया था कल, 50 to 70। तैगा में क्या लिखा था आपने, यहाँ पे देखिए तैगा का फोटो, तैगा पढ़ा नहीं क्या, टुंड्रा वेजिटेशन, इसके ठीक नीचे तैगा मिलेगा, कल देखा था हमने कनाडा बोरियल फॉरेस्ट वगैरह, 50 to 70। तैगा वेजिटेशन कहाँ मिलेगा, तो 50 to 70 डिग्री, लेकिन 70 डिग्री के ऊपर जो एकदम पोलर रीजन है वहाँ पे कौन सा वेजिटेशन मिलेगा, टुंड्रा, ये ज़्यादातर क्या रहेगा, तो पोलर रीजन्स का पार्ट है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, एकदम छोटे, जैसे कि मॉस लाइकन्स स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर इन वेरी शॉर्ट समर टाइम। इसके अलावा ये कहाँ पर मिलेंगे, तो कौन से रीजन में, और पोलर रीजन कहाँ का आता है, यूरोप में आता है, रशिया की तरफ में और कनाडा की तरफ में आता है। साथ साथ यहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहेगी, तो एनिमल्स का एडेप्टेशन कैसा रहेगा, ठीक, फर और स्किन भी कैसे रहेगी, ठीक, पोलार बियर का फोटो देखा ना, पोलार बियर को उसकी स्किन भी ठीक होती है, उसका फर भी कैसा होता है, ठीक होता है। इसके अलावा ठीक है, इनसे क्या होता है, तो वो उनका एडेप्टेशन मैकेनिज्म, साथ साथ में एग्जाम्पल ऑफ सिल, वॉलरस, मस ऑक्सन, आर्टिक ऑल, पोलार बियर, स्नो फॉक्स आर द एनिमल्स फाउंड इन टुंड्रा वेजिटेशन में। इवन आप इसका भी नाम देखा होगा आपने, क्या कहते हैं उसको,
इवन बर्ड्स भी मिलते हैं इस रीजन में. कौन सा बर्ड फेमस है यहाँ का? आर्टिक टान, बताया था मैंने बहुत बार. आर्टिक टान द ओनली बर्ड इन द वर्ल्ड जो साल भर उड़ते रहता है, उसका नाम क्या है? आर्टिक टान. मतलब वो कहाँ से? एक पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से वापस नॉर्थ पोल. एनसीईआरटी में दिया है बर्ड का नाम आर्टिक टान. इसका फोटो देखिए घर जाके. आर्टिक टान क्या है? ये पोलार बर्ड. ये बहुत छोटा होता है, ठीक है. ये कितना छोटा होता है कि इवन आपको पिजन के शेप से छोटा होता है. आर्टिक टान इस बर्ड का वैरायटी है जो साल में दो समर सीजन एंजॉय करता है. द ओनली बर्ड इन द वर्ल्ड जो इट एंजॉय टू समर सीजन. जब नॉर्थ पोल पे ठंडी स्टार्ट होती है तो उड़ के कहाँ जाती है? वो जाता है साउथ पोल. जब साउथ पोल में ठंडी स्टार्ट हो जाती है वो कहाँ पे आता है? नॉर्थ पोल, ठीक है. बर्ड का नाम है आर्टिक टान. और ये इसके बारे में क्यों नाम को पता होना चाहिए? क्योंकि रिसेंटली इसको इंडिया में देखा गया था. फर्स्ट टाइम ये इंडिया के चिल्का लेक में देखा गया था, कन्याकुमारी के एरियाज में देखा गया था. और इन बर्ड्स के भी क्या होते हैं? तो इन बर्ड्स के भी लैंड रूट्स होते हैं, ठीक है. जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स है वो हर बार एक ही रूट पे आते आना जाना करते कि नहीं? वर्ल्ड के जितने भी माइग्रेटरी एनिमल्स हैं उनका क्या है? तो उनका एक माइग्रेटरी रूट होता है. इसलिए इस बर्ड के बारे में घर जाके विकिपीडिया प्लीज देखिएगा. ये देखो आर्टिक टर्न का फोटो. ये वेज और नॉन वेज दोनों बर्ड हैं, ठीक है. ये वेज भी खाते हैं नॉर्थ, क्योंकि उसको लंबा जाना पड़ता है, ठीक है. एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, ठीक है. इसका पैटर्न देखिए, पेंगुइन की जैसे दिखेगा. सिर्फ इतना है कि पेंगुइन को ब्लू स्पीच एक होती है, इसका कैसा है? रेड है. और इसका माइग्रेटरी रूट का इमेज देखते हैं. ये देखिए इसका रूट इमेज. ये नॉर्थ पोल से कहाँ उड़ के जाता है? और साउथ पोल से वापस नॉर्थ पोल, ठीक है. इनका जनरल रूट ये है, ठीक है. ज़्यादातर पानी की तरफ से जा रहा है, देखिए. लेकिन आजकल इसका पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है. इसलिए वो इंडिया की तरफ से, अफ्रीका की तरफ से भी जा रहा है. और इंडिया में इसको हाल ही में देखा गया है. इसको ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरकम पोलर बर्ड है जो बेचारा साल भर चलते रहता है. आर्टिक टान द ओनली बर्ड इन द वर्ल्ड विच एंजॉय टू सीजन. आर्टिक टान को प्लीज़ घर जाके एक्टिविटी में लिखिए, विकिपीडिया देखिएगा आर्टिक टान का. वहाँ पे आपको पूरा उसका एबीसीडी मिलेगा. एनसीईआरटी में दिया है, 8th या 9th क्लास के बारे में उसमें दिया है. अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं थोड़ा सा. ह्यूमन एडेप्टेशन एंड देयर इंट्रैक्शन. फर्स्ट, लाइफ इन अमेजोन. अमेजोन का रेन फॉरेस्ट का नाम क्या था? कंपास, शेलवास, किलानोज. अमेजोन के जंगल का नाम क्या था? अमेजोन के जंगल का नाम क्या है? शेलवास, लानोस की कंपास, ठीक है. ब्राज़ील का कंपास, वेनेजुएला का लानोस, अर्जेंटीना का पंपास, और अमेजोन जंगल का शेलवास. तो शेलवास फॉरेस्ट की ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो कैसे लोग रहते हैं, कैसे प्लांट्स हैं और कैसे एनिमल्स हैं, उनका पैटर्न देखेंगे कैसा है. फर्स्ट, लाइफ इन अमेजोन. द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. कल बताया था मैंने इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ मिलेगा? 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ. फर्स्ट फैक्ट, इस इक्वेटोरियल रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? तो अमेजोन. अमेजोन कभी सोचा है आपने कि दुनिया की ये लार्जेस्ट रिवर क्यों है? लार्जेस्ट मतलब पानी का वॉल्यूम ज़्यादा. और नाइल क्या है? लॉन्गेस्ट, मतलब वो लंबी है और ये लार्जेस्ट है. तो इसमें पानी क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि कौन से रीजन में? इक्वेटोरियल रीजन. यहाँ पर रेनफॉल कैसी है? थ्रू आउट द ईयर होती है कि नहीं? इसलिए यह क्या रिवर कैसी बन गई? लार्जेस्ट, ठीक है. इसके अलावा द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस शेलवास रीजन. इसके अलावा ये रिवर्स कहाँ से निकलते? नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स. मतलब कौन से माउंटेन से निकल रही है? एंडीज. फिर वो कहाँ से बह रही है? एंडीज से बहते बहते वो कहाँ जा रही है? रीच कहाँ होती है? अटलांटिक ओशन. और अटलांटिक ओशन पे कहाँ पे डूबती है? जहाँ पे प्रॉपर इक्वेटर की लाइन जाती है. मतलब अटलांटिक ओशन, अमेजोन और इक्वेटर तीनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर वो डूबती है. कहाँ पर? तो
ईस्ट में, इस तरह से रिवर का प्रोफाइल कैसा हुआ, ये वेस्टर्न रिवर हुई कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर हुई, वेस्ट फ्लोइंग हुई कि ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग ही, एंडी से निकल के अटलांटिक ओशन जा रही तो क्या हो गई, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसका मतलब वो अमेजॉन के जंगलों से जा रही। इसके अलावा द प्लेस वेयर रिवर फ्लोज इन टू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज रेफर एज माउथ। तो अमेजॉन का सोर्स क्या हुआ, तो एंडीज, और अमेजॉन का माउथ कौन सा ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन। अमेजॉन न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइंस द अमेजॉन रिवर, और ये सभी ट्रिब्यूटरीज एक पत्ती के पैटर्न में, डेंड्रेटिक पैटर्न में आके मिलते हैं उसको। ये देखो, इसको कहते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। रिवर्स के भी पैटर्न्स होते हैं जिसमें ट्री लाइक पैटर्न कहाँ दिख रहा है आपको, ट्री लीफ लाइक पैटर्न, इसको डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये अमेजॉन का पैटर्न है। वर्ल्ड के ज़्यादातर रिवर्स आपको इसी रिवर के पैटर्न में मिलेंगे। ये रिवर का एक पैटर्न है, इसको कहते हैं डेंड्रेटिक, बोले तो ट्री लीव शेप। इवन आप गंगा का फोटो देखो, गंगा रिवर भी ऐसी मिलेगी, गंगा के भी 17 ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो अमेजॉन के भी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज है, और अमेजॉन निकलती है यहाँ से और डूबती है बराबर इक्वेटर पर। ये देखो, इस मैप में साफ दिखा है कि ये 0 डिग्री है, दिख रहा है, और 0 डिग्री पर इसका रिवर का माउथ है, कौन से ओशन में, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, और यहाँ पर एक आइलैंड है, घर जाके देखिए यहाँ पे कौन सा आइलैंड है। अब ये रिवर एंडीज पहाड़ी से इरोड करेगी और बहते 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 अपना सेडिमेंट्स सिल्टेशन कहाँ लेके जमा करेगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे आइलैंड का नाम बताओ, कौन सा आइलैंड है जो अमेजॉन पर है। ठीक है, नाम बताओ, नाम है मैडीरा आइलैंड, नाम है मैडीरा आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मैडीरा आइलैंड। ये देखिए आइलैंड का नाम, ये बराबर आपको कहाँ मिलेगा, इक्वेटर, अटलांटिक, और जहाँ पे कौन सी रिवर ड्रेन करती है। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं है, उसकी स्पेलिंग गलत हो गया, मैडीरा नहीं है, क्या नाम है उसका, एक मिनट, बुक में दिया है कि कौन सा नाम है, एम से ही नाम है बुक में, देखो तो एटलस में, है दिया, एम सही नाम है, मैरेजो आइलैंड। ठीक है, मैरेजो आइलैंड को देखो, यहाँ पे लिखा है फैक्ट्स में, इक्वेटर का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, पूरे इक्वेटर पर, मतलब प्रॉपर इक्वेटर पे अमेजॉन रिवर के थ्रू आपको आइलैंड देखा गया। ये देखिए प्रॉपर आइलैंड। ठीक है, तो आप नाम लिख लीजिए, मैरेजो आइलैंड इज अ अमेजॉन रिवर आइलैंड ऑन इक्वेटर विच इज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, नाम है उसका मैरेजो आइलैंड। ये की फैक्ट है, मैरेजो आइलैंड। इंडिया में भी ऐसा आइलैंड देखा गया रिवर पे, उसका नाम है मजूरी आइलैंड आसाम का। नेक्स्ट, तो लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन क्यों है, क्योंकि कौन से क्लाइमेट में, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। अब नेक्स्ट, अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट अमेजॉन बेसिन का पैटर्न कैसा रहेगा, साल भर यहाँ पर क्या रहेगा, हॉट और वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पॉइंट फर्स्ट, इसलिए बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड
ह्यूमिड, यहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, इक्वेटर पे लोग बहुत कम रहते हैं क्योंकि यहाँ का पॉपुलर पैटर्न ही ऐसा नहीं, आप यहाँ पे दिन में भी रह नहीं सकते, रात में भी ठंडी बहुत ज़्यादा होती, मतलब दिन में इंटेंस गर्मी और रात में इंटेंस ठंडी, ठीक है। द स्किन फील्स स्टिकी, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब हर बार हवा में आपको मॉइस्चर बहुत मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा द डे टेम्परेचर्स आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, मतलब इक्वेटर पे शेल्वाज में कैसा है तो हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी भी है। इसके अलावा रात में क्या होता है, एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई, ठीक है। नाइट में टेम्परेचर क्यों डाउन होता है, उसका रीज़न क्या था कि नाइट्स में इक्वेटर का आसमान क्लियर रहता है, जब आसमान क्लियर रहेगा तो दिन भर इक्वेटर जो गर्म हुआ है वो अपनी रेस को क्या करेगा, बाहर लेके जाएगा और लैंड क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, इसलिए बाहर के दिन में हॉटनेस और नाइट का टेम्परेचर गोस डाउन, इसलिए इक्वेटर के एरियाज पर लोग कम रहते हैं, तो लोग ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे आपको, तो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर आपको डेंस पॉपुलेशन मिलेगा, और कम पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी, तो इन एरियाज में मिलेगी। लेकिन भले ही इक्वेटर पर लोग कम रहे पर इक्वेटर पर टोटल 13 कंट्रीज है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन इक्वेटर पे क्या अच्छा है, तो एनवी बहुत अच्छा है और वाइल्ड लाइफ उससे भी अच्छा है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अमेजोन में मिलते हैं, आपको नाम ध्यान रखना है, एनिमल्स ऑफ अमेजोन, फर्स्ट अमेजोन का जंगल देखो, बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जंगल कैसा रहेगा, एकदम डेंस रहेगा, ठीक है। इतना डेंस रहेगा कि पेड़ों में कॉम्पिटिशन रहेगी कि कौन ऊपर जाता है, जनरली पेड़ की हाइट कितनी होती है 2 मीटर्स, पर यहाँ पर 60 मीटर्स तक पेड़ जाते हैं, इतने पेड़ अगर हाइटेड जाएंगे तो क्या होगा, दिन में भी डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, एंड ग्राउंड रिमेंस कैसा है, डार्क एंड डैम, मतलब दिन भर दिन में भी जंगल एकदम ऐसा लचीला डैम्पनेस रहेगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा और मलेरिया बहुत होता है, क्योंकि डैम्पनेस ज़्यादा रहेगा तो मॉस्किटो का ये भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि दिन में भी अंधेरा होने की वजह से वहाँ पे ऐसे प्लांट्स अडेप्ट हो गए जो क्या ये कर रहे हैं, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन मे ग्रो हियर, मतलब कि धूप कम होने की वजह से ऐसे प्लांट रहेंगे जो क्या पसंद करेंगे, शेड, मतलब वो धीरे धीरे अडेप्ट हो गए प्लांट, उनमें से एक प्लांट का नाम दिया है ऑर्किड, दूसरा ब्रोमेलियट्स, ग्रो एज प्लांट पैरासाइट, ये वाला इंपॉर्टेंट प्लांट है, ये आपको अमेजोन में मिलता है, और ये प्लांट कैसा है, पैरासाइट, आपने पिक्चर प्लांट का नाम सुना होगा, पिक्चर प्लांट इंडिया में कहाँ मिलता है, तो मेघालय में, वो भी क्या खाता है, एनिमल्स इंसेक्ट्स पैरासाइट्स खाता है, मतलब प्लांट्स भी इंसेक्टिवायरस होते हैं कि नहीं, तो इंडिया का पिक्चर प्लांट मेघालय में मिलने वाला भी कौन सा है, प्लांट पैरासाइट, और मेघालय में भी डेंस फॉरेस्ट है, इसका मतलब कि अमेजोन में भी वैसे ही होगा, ऑर्किड्स और ब्रोमिलेट्स, तो ब्रोमिलेट्स क्या है, टाइप ऑफ एनिमल के प्लांट एंड बेसिकली कैसा है, पैरासाइट्स, ये कहाँ रहेगा, अमेजोन के जंगल में टॉप पे लगेगा कि बॉटम के एरियाज पे, बॉटम के एरियाज, ये देखो इसका फैक्ट पढ़ो, ब्रोमिलेट्स क्या है, तो स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दिस पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स, मतलब प्रोटेक्शन करने के लिए वो वहाँ पे यूज़ करता है इसका। इसके अलावा यहाँ पर आपको वर्ल्ड के बेस्ट एनिमल्स मिलेंगे, उनमें से एक बर्ड का नाम है टोकन्स, टोकन्स का भी पोचिंग होता है, और ज़्यादातर पोचिंग किसके लिए करते हैं, इसके बीक के लिए, इंडिया में भी ऐसा ही मिलता है, उसका नाम क्या है, ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल, इंडिया का ग्रेट हॉर्नबिल और हॉर्नबिल का ही वेराइटी है टोकन्स, टोकन्स इंडिया में नहीं मिलते, और ग्रेट हॉर्नबिल अफ्रीका में नहीं, यहाँ भी नहीं मिलते, साउथ अमेरिका में नहीं मिलते, टोकन्स का फोटो देखो, इनको भी पोचिंग होता है, किसके लिए, बीक के लिए, ठीक है। तो हॉर्नबिल और टोकन्स क्या है, तो बर्ड्स है, द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन, दूसरा हमिंग बर्ड, दुनिया का सबसे छोटा बर्ड कौन सा है, हमिंग, ये एक ही फैक्ट नहीं उसका, ये वर्ल्ड का ऐसा बर्ड है जो आगे भी उड़ सकता है और पीछे भी उड़ सकता है, और ये इंडिया में मिलता है क्या, नहीं, कौन से जंगलों में मिलता है, अमेजोन। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्ड्स मिलेंगे, और बर्ड्स का साउंड है, इवन एनिमल्स लाइक मंकीज, स्लॉथ बियर एंड एंट ईटिंग टापीर्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, टापीर का फोटो नहीं दिया होगा, एंड ईटिंग तापीर, तापीर का फोटो देखिए,
ये देखिए तापिर, इसका मुंह देखिए, ये ऐसे एंट खींचता है, एंट्स को खाता है, एंट ईटिंग एनिमल्स है तापिर। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो अमेजॉन जंगलों में मिलता है। एंट ईटर ही उसका नाम, एनसीईआरटी ने एंट ईटर लिखा है उसका। ये ज़्यादातर एंट ही खाता है। सोचो कि जंगल में एंट्स कितने होंगे फिर, और एंट्स को कंट्रोल करने के लिए इसका पैटर्न बनाया गया है। हर एक चीज़ एनिमल्स एक में के बैलेंस है। देखो लिखा है एनसीईआरटी ने, एंट ईटिंग तापिर आर ऑल्सो फाउंड हियर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्या मिलेंगे, रेप्टाइल्स एंड स्नैक्स, साथ साथ में क्रोकोडाइल, स्नैक्स और मेन है एनाकोंडा। और घर जाके इसका फोटो देगा, कौन सा बॉ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन विच बेसिन, अमेजॉन बेसिन। हाँ एनाकोंडा है, जनरली एनाकोंडा नॉन वेज वाले नहीं होते जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो पैटर्न में वैसा अलग है। जनरली वो शाय होते हैं, एनिमल्स से शाय करते हैं एनिमल्स, वो एनाकोंडा होते हैं पर वो शाय ही फेवर करते हैं, या फिर अगर वो खाएंगे तो डियर्स को खा सकते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, पर वुमन्स को बहुत कम ही खाते हैं। लेकिन फिर भी वो मूवीज़ में ऐसा दिखाया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ज़्यादा इशू हुआ तो उनको भी ईट कर सकते हैं। ये स्पेशल एनिमल्स होते हैं जो कहाँ मिलेंगे सिर्फ, तो सोचो पानी जब इतने बड़े बड़े सांप है तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा। हाँ एनाकोंडा होता है ना, ठीक है। तो एनाकोंडा से बैकग्राउंड देखो कि एनाकोंडा अगर वहाँ पे छोटा सांप हो वहाँ पे तो पानी कितना बड़ा होगा उस एरिया से। इसके अलावा अमेजोन और किसके लिए फेमस है उस एरियाज में, क्या मिलेगा? पिराना फिश, पिराना फिश तो देखा होगा, ठीक है, पिराना फिश जानते ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट एनिमल्स है कहाँ के, तो अमेजॉन बेसिन के। अब पीपल का एडेप्टेशन देखेंगे, कैसा इंसान इंटरेक्ट करता है इस अमेजॉन जंगलों में। अब अमेजॉन में क्या है, तो अमेजॉन जंगल में क्या हो रहा है कि दिन ब दिन फॉरेस्ट क्या हो रहा है, कट हो रहा है, इंसान इंटरेक्ट होने लगा है। और वो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल पैचेस आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ठीक है। उसमें से मेन क्या करेगा वहाँ पे, हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स। लेकिन उनके काउंटर पार्ट्स वुमन क्या करेंगे, टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। मतलब यहाँ पे देखिए डिविजन ऑफ वर्क हुआ है, मेन का वर्क क्या है, हंटिंग करना और फिशिंग, और घर में क्रॉप्स की फोकस करना, खेती पे काम कौन करेगी, वुमेन्स काम करेंगे। मतलब एनसीईआरटी ने दोनों पे फोकस किया है, दोनों जेंडर इक्वलिटी पे फोकस किया है। दे मेनली ग्रो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के स्टेपल क्रॉप्स क्या है, दूसरा पाइन एप्पल और स्वीट पोटैटो, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल्स फीडिंग का काम किसका है, वुमेन्स का। मतलब उनको भी एक लिविंग पैटर्न दिया है। और यहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में वो कौन से प्रकार की खेती करते, कमर्शियल एग्रीकल्चर की स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न ज़्यादातर इंडिया में भी किया जाता है, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी कौन सी खेती होती है, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। और यहाँ का स्टेपल फूड क्या है, मैनियोक, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कसावा। इनका फोटो देखिएगा, पोटैटो जैसा ही होता है, लाइक अ पोटैटो। इसके अलावा दे ऑल्सो ईट क्वीन एंट्स, वो एंट्स भी खाते हैं, क्वीन एंट्स। इवन आपको ओडिशा में भी एंट्स मिलेंगे, ओडिशा के भी हमारे ट्राइबल बेल्ट के लोग क्या खाते हैं, क्वीन एंट्स। इनकी चटनी भी वर्ल्ड फेमस है। आपने जी आई टैग सुना है, जनरल जी आई टैग, नागपुर को कौन सा टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना, जी आई टैग। कोल्हापुर की चप्पल, आगरे का पेठा, बीकानेर की भुजिया, ये सब क्या इंडिया के ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। मतलब इंसान ने बनाए हुए, इंसान एक रिसोर्स है, और वो एक जो चीज़ बनाता है उसको पेटेंट मिलता है कि नहीं, मोबाइल का पेटेंट होता है, लेकिन ज्योग्राफिकल चीज़ों को क्या होता है, जी आई टैग, ठीक है। तो नागपुर का क्या है, ऑरेंज का जी आई टैग। ऐसे इंडिया में 450 चीज़ें हैं जिनका क्या मिला है, जी आई टैग, ठीक है। हाँ, तो उसमें से एक जी आई टैग है ओडिशा की चटनी। ओडिशा में ऐसी चटनी है जैसा रसगुल्ला कहाँ का है, हाँ, तो ओडिशा की चटनी को भी इंडिया का ऑथेंटिक फूड माना गया है, और वो भी चाव से खाते हैं। अब स्वाभाविक है, किसका फूड रहेगा ये, अर्बन कल्चर की आर कल्चर का, आर कल्चर का रहेगा। ये ट्राइबल बेल्ट खाते कौन से स्टेट के, ओडिशा के, ठीक है। इसके अलावा कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं अमेजॉन में, कॉफ़ी, मेज़ और सबसे इम्पोर्टेंट कोका। कोका किसके लिए रॉ मटेरियल है, चॉकलेट इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। पिछले काफ़ी साल से अमेजॉन जंगल में सोयाबीन की फसल बहुत ज़्यादा की जा रही है, ठीक है। सोयाबीन और रबर, सोयाबीन और रबर, इनके वजह से डी एरिया का रड्डी फॉरेस्टेड। रबर इंडिया का क्रॉप है क्या, नहीं, इसको माइग्रेटेड लोगों ने इंडिया में लाया, इंपोर्ट करके लाया।
ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का है और न्यू वर्ल्ड का क्रॉप है जो ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इवन अमेजोन में इतना घना जंगल है, इतनी दिन भर बारिश होती है, तो अगर हमारे जैसी छत होगी क्या स्क्वेयर टाइप? नहीं, अगर ऐसे स्क्वेयर के पैटर्न में होगा, रेक्टेंगल पैटर्न में घर होगा, तो पूरा पानी छत पे आके जमा हो जाएगा, इसलिए घर का पैटर्न कैसा रहेगा? स्लैंटिंग। तो मलाका क्या है? तो मलाका इज अ हाउस विथ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। ये पहला टॉपिक। दूसरा, मैनेकॉ क्या है? तो इज अ स्टेपल फूड ऑफ अमेजोन पीपल्स। थर्ड, स्लैशन बर्न तो आप जानते हैं, ठीक है, स्लैशन बर्न कल्टिवेशन कौन करेगा? ट्राइबल बेल्ट करेंगे ज़्यादातर, इंडिया के ज़्यादातर ट्राइबल्स। इवन वेस्टर्न घाट्स में भी स्लैशन बर्न होता है, अरावली में भी क्या होता है? स्लैशन बर्न। झूम कल्टिवेशन का है नॉर्थ ईस्ट, मतलब इंडिया में भी काफ़ी एरिया में क्या हो रहा है? स्लैशन बर्न कल्टिवेशन। इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, काटते हैं और बाद में यूज़ करने के बाद उस उतना एरिया क्या कर लेते हैं? जला देते हैं। जलाने का फ़ायदा क्या होता है? द क्लियर अनदर प्लॉट इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। तो जलाने का मेन रीज़न क्या है कि जलाना क्यों पड़ता है? जलाने का मेन रीज़न होता है कि जलाने के बाद जो राख जमा होगी उस राख में न्यूट्रंट ज़्यादा होते हैं। तो यह है अमेजोन। तो अमेजोन के एनिमल्स देखा आपने, अमेजोन में स्टेपल फूड देखा, और घर का पैटर्न कैसा? स्लैंटिंग, ठीक है, और एनिमल्स देखे। अब नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेमोग्राफी वाला कंट्री इंडिया, और इंडिया की ज़्यादातर डेमोग्राफी कौन से रिवर बेसिन पे बैठी है? गंगा पे। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज लोकेटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा इस बेसिन का पैट देखें, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कौन से डिग्री पर देखा जाता है? इक्वेटोरियल रीजन के उसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर 10 डिग्री से 30। मैंने कल बताया था मानसून क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट कहाँ आएगा? 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो गंगा बेसिन का फैक्ट देखें, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 10 डिग्री, और ख़त्म कहाँ पे हो रही है? 30 डिग्री एल्टीट्यूड्स पर, ठीक है। मतलब ज़्यादातर आपको बेसिन कहाँ मिल रहा है? तो ट्रॉपिकल से लेके तो सब ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेट में भी मिल रहा है। ये पहला फैक्ट। अब ये मैप देखिए कैसा हो गया 10 डिग्री से 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 20 डिग्री। तो 10 डिग्री से लेके कहाँ तक आ रहा है आपका? ये अप्रॉक्स 30 डिग्री तक। अब यहाँ पे उन्होंने 20 लिखा है, ठीक है, पर यहाँ पे 10 क्यों लिखा है? क्योंकि काफ़ी रिवर्स है जो यहाँ से निकलती है, अमेजोन अमरकंटक वगैरह से, इसलिए। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब यहाँ पे देखिए चाइना से कौन सी रिवर निकल रही है? ब्रह्मपुत्र। और गंगोत्री से कौन सी रिवर निकल रही है? गंगा। मतलब गंगा इंडिया से और ब्रह्मपुत्र चाइना से, ठीक है। ये ऐसा घूम के इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है। और ये दोनों का मिलन कौन से स्टेट में हो रहा है? बांग्लादेश। और यहाँ पर बांग्लादेश के इस जोन से लेके वेस्ट बंगाल के इस जोन तक पूरा का पूरा कौन सा बेल्ट है? सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन से रिवर पर बना है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये गंगा रिवर, इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। 40% इंडियाज़ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन विच रिवर बेसिन? गंगा। मतलब भारत के 500 मिलियन लोग या 40% जनसंख्या कहाँ पर रहती है? गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज पर डिपेंड है। 17 ट्रिब्यूटरीज है गंगा के, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के मेन क्रॉप्स क्या है? अब जो भी ट्रॉपिकल के ऊपर है तो वहाँ पे क्या मिलेगा? वीट, मेज, जवार, ग्राम एंड मिलेट्स। इसके अलावा कैश क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं हमारे इंडो ब्रह्मपुत्र के लोग, शुगर कैन और जूट। वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर क्या मिलेगा? जूट। और वेस्ट बंगाल को लग के बिहार और वेस्ट बंगाल को लग के आसाम में भी क्या मिलेगा आपको? जूट। इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट का निकनेम क्या है? गोल्डन फाइबर। इसके अलावा बनाना प्लांटेशंस आर आल्सो सीन इन सम रीजन्स, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुड फॉर टी, ठीक है। एक दार्जिलिंग टी और दूसरी आसाम टी इज ग्रोन इन दिस प्लांटेशन एरियाज। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र बेल्ट इज आल्सो गुड फॉर विच रॉ मटेरियल? सिल्क, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ पे? तो बिहार और आसाम। और ये सिल्क कहाँ पर ग्रो करते हैं? तो माउंटेन्स और
हिल्स पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे स्लोप कैसा रहता है, जेंटल रहता है। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र बेल्ट जो कि सब ट्रॉपिकल जोन में आता था, वहाँ पे क्या पेड़ मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल डेसिडियस, जैसे कि कौन कौन से एग्जांपल है डेसिडियस के, टीक, साल और पीपल के पेड़। इवन आपको पीपल के साथ साथ आसपास के एरियाज में क्या मिलेंगे, बाम्बू ग्रोव्स भी मिलेंगे, स्पेशली कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र। इसलिए आपको साउथ इंडिया में देखिए, सॉरी नॉर्थ इंडिया में, सॉरी नॉर्थ बोलता, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादातर देखो बाम्बू का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे बाम्बू के, इंडिया में सबसे ज़्यादा बाम्बू का भी ग्रोइंग कहाँ हो रहा है, ब्रह्मपुत्र बेस से। इवन आपको घर देखिए, आसाम के हाउसेस आपको ज़्यादातर बाम्बूज में ही मिलेंगे। जो वहाँ का रॉ मटेरियल वैसे वहाँ के घर। अब यहाँ पे भी देखो स्लैंटिंग रूफ है, लेकिन फ़र्क इतना है कि सीमेंट के घर नहीं, किसके पूरे के पूरे बाम्बूज के, क्योंकि वहाँ पे वो रिसोर्स ज़्यादा मिलता है। और ये बीच में देखो गैप दिया इन्होंने ये सब पानी का, क्योंकि जब फ्लड का पानी आता है तो ये एरिया पानी के अंदर रहता है और उनके घर बचे जाते हैं ऊपर से। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र बेल्ट से क्या बना है, डेल्टा, और उस डेल्टा पे कौन सा फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और जब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के टॉप अल्टीट्यूड रीजन्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कौन से पेड़ मिलेंगे, कॉनिंग फेर, जैसे कि पाइन, देवदार एंड सिल्वर फीर। इवन एनसीईआरटी में भी लिखा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में एक डॉल्फिन मिलती है जो कैसी है, ब्लाइंड। जनरली डॉल्फिन्स कैसी होती है, ब्लाइंड्स होती है। फिर उनके पास में क्या होता है जिससे वो आगे को देख सकते, वो किसी को देख नहीं सकते, जनरली डॉल्फिन्स क्या होती है, ब्लाइंड, पर उनके पास में सबसोनिक वेव्स होती है, वो हमको समझ सकते हैं या किसी को भी भाप सकते हैं कि क्या है करके आ गए, ठीक है। और इनको लोकल नेम में क्या कहते हैं, सुसु। इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र अ वेराइटी ऑफ डॉल्फिन्स लोकली रेफर्ड एज सुसु, ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाइंड। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज इंडिकेशन ऑफ हेल्थ ऑफ द रिवर। द अनट्रीटेड वेस्ट एंड केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीसीज। अब यहाँ पे तीन डायमेंशन दिया है, पहला दिया है कि डॉल्फिन्स कौन सा रिवर पसंद करते हैं, सॉल्ट वाटर की फ्रेश वाटर। दूसरा, इंडिया में इनमें से कौन कौन से रिवर्स में डॉल्फिन मिलती है, ठीक है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इवन इंडस रिवर में भी क्या मिलती है, डॉल्फिन्स। तो जो डॉल्फिन इंडस में मिलेगी उसका नाम क्या रहेगा, इंडस डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, और दूसरा ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन। जनरली डॉल्फिन्स क्या होती है, ब्लाइंड होती है, ठीक है, वो सब सोनिक रेज के थ्रू, वेव्स के थ्रू अपने आप को पहचान सकती है। उसके बाद डॉल्फिन्स का पानी में होना क्या दिखाएगा, पानी का हेल्थ। और आजकल डॉल्फिन दिन ब दिन क्या हो रही है, कम, मतलब रिवर का पोल्यूशन बढ़ रहा है। रिवर का पोल्यूशन बढ़ने का कारण क्या है, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट प्लस हाई यूज ऑफ केमिकल्स इन इंडिया। क्योंकि इंडिया कौन सा कंट्री है, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, और ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, केमिकल्स, एंड दिस केमिकल्स आर ऑल्सो हिटिंग ब्लाइंड डॉल्फिन। और एक बताना था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेंचुरी बनाया, द इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी, जो स्पेशली किसके लिए बनाया, डॉल्फिन, उसका नाम है विक्रमशिला सेंचुरी, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बिहार पटना। भारत की पहली सेंचुरी जो सिर्फ किसके लिए बनाई गई है, डॉल्फिन के लिए, उसका नाम विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी पटना बिहार। इसका मतलब गंगा नदी के पटना के पास में भी क्या मिलेंगे आपको, डॉल्फिन्स। लेकिन ज़रूरी नहीं कि डॉल्फिन्स फ्रेश वाटर में रहते, कभी कभी डॉल्फिन्स सलाइन वाटर में भी देखे गए हैं, चिल्का लेक में देखी गई है, गोवा के तरफ में भी क्या है, डॉल्फिन्स है। इवन रत्नागिरी के कोस्ट एरिया में भी क्या मिलेंगे आपको, डॉल्फिन्स। नेक्स्ट टॉपिक, अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में आते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स पहले ग्रास का एरियाज थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रास का एरिया कम होते, हैबिटेशन चेंज होता गया, उसके पैटर्न पड़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। तो पहला इसमें केस स्टडी दिया है प्रेरिस का, जो नॉर्थ अमेरिका में है, और वो कॉन्टिनेंट के कहाँ मिलेगा, बीच में, कि एक्सटीरियर्स पे, बीच में। तो इसका इंट्रैक्शन पड़ेंगे, ह्यूमन इंट्रैक्शन कैसा करते हैं, और प्लांट का इंट्रैक्शन कैसा इस रीजन से, और एनिमल्स का। अ क्लाइमेट प्ले अ की रोल इन फॉर्मेशन ऑफ
ग्रास लैंड्स, ठीक है। क्लाइमेट को कैसा पानी चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल की हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। और क्लाइमेट के आधार पर ही दुनिया में कितने प्रकार के ग्रास लैंड्स हैं, दो प्रकार के, दे आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ग्रास लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच क्लाइमेट, ठीक है। एक टेम्परेट ग्रास लैंड और दूसरा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, ठीक है। ये हमने अभी देखा था, उसके बाद उनमें से केस स्टडी कौन सा दिया है, प्रेरिस। तो प्रेरिस आर बेसिकली टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पंपास आर टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका, वेल्ड्स आर टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, डाउन्स एंड कैंटरबरी प्लेन्स, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। अब यहाँ पे देखो केस स्टडी किसका दिया है, प्रेरिस। इसमें हम वो क्या पता करेंगे कि प्रेरिस में सिर्फ घास ही नहीं है, प्रेरिस का डेयरी इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस है, प्रेरिस का माइनिंग इंडस्ट्रीज भी वर्ल्ड फेमस है, और इनसे उस एग्रीकल्चर रीजन में डेवलपमेंट होता गया होता गया, और आज वर्ल्ड के बेस्ट सिटीज़ देखे गए, जैसे कि एग्जाम्पल शिकागो। शिकागो कहाँ पर मिलेगा, तो प्रेरिस में। तो केस स्टडी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ने कैसा दिया है, टेम्परेट ग्रास लैंड नॉर्थ अमेरिका का नाम क्या है, प्रेरिस। इसके कीवर्ड बता रहा हूँ आपको, पहला प्रेरिस क्या है, ठीक है। ये कैसे पूरा, अब ग्रास लैंड बोले तो ऑलमोस्ट रीजन कैसा रहेगा, फ्लैट रह सकता है, फ्लैट या फिर जेंटल स्लोप। कुछ एरियाज पर क्या देखा गया, हिल देखा गया। उसके बाद ज़्यादातर प्रेरिस कैसे हैं, ट्रीलेस। लेकिन वहाँ पे देखो क्या लिखा है उन्होंने, मोस्ट, पूरे की पूरा ट्रीलेस है क्या, मोस्ट ऑफ द रीजन कैसा है, ट्री लेस है, ठीक है। लेकिन जो वैलीज एरिया है वहाँ पे मे बी आपको क्या मिलेंगे, वुडलैंड्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेरिस के में भी घास है, लेकिन घास की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती, अप टू 2 meters, लेकिन ग्रास न्यूट्रिशियस होती है कि नहीं, होती है, ठीक है। प्रेरिस का दूसरा नेम क्या है, सी ऑफ ग्रास। तो कौन से ग्रासलैंड का नाम है सी ऑफ ग्रास, प्रेरिस, ये पहला फैक्ट। दूसरा ये देखिए प्रेरिस का मैप, प्रेरिस का मैप में समझ में आ रहा है कि प्रेरिस दो कंट्रीज में देख रहे हैं, कैनेडा एक और अमेरिका दो। कौन से कंट्री में ज़्यादा है, अमेरिका में। नेक्स्ट ये देखो रॉकी माउंटेन्स के रेन शेडो में आ रही, रॉकी माउंटेन्स के रेन शेडो में आ रही, और कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, तो प्रेरिस आर बाउंड बाय विच माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स ऑन ईस्ट की वेस्ट, वेस्ट, एंड ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट, ये ग्रेट लेक रीजन। 1, 2, 3, 4, 5 कितने लेक है टोटल ग्रेट लेक में, 5 lakes है, घर जाके मैप में देखिएगा ग्रेट लेक रीजन्स। तो ग्रेट लेक रीजन्स टोटल 5 lakes है, और इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ग्रेट लेक रीजन्स का। ग्रेट लेक रीजन्स जो है ये, इनकी खास बात क्या है कि ये दो कंट्रीज़ के बीच में मिलते हैं। कौन से कंट्रीज़ है, कैनेडा और यूएसए, पहला फैक्ट। ये टोटल कितने एरिया का पैकेज है, 5। ये दिख रहे आइलैंड के कितने लेक्स हैं, 5। सबसे खास बात क्या है इन लेक्स की, कि ये सभी के सभी फ्रेश वाटर लेक्स हैं। अब स्वाभाविक है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जब पानी मिल रहा है तो ज़्यादा पीपल्स कहाँ बैठेंगे, लेक्स के आसपास रहेंगे। इवन इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर भी कहाँ रहेंगे, लेक्स के आस, क्योंकि ये पाँचों लेक कैसे हैं, फ्रेश है कि सलाइन है। तो दीज आर द फ्रेश वाटर लेक्स लोकेटेड बिटवीन कैनेडा कंट्री एंड यूएस कंट्रीज। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों कंट्रीज़ ने उसके उसमें से बीच में से बॉर्डर बनाया, ठीक है। मतलब बॉर्डर पर आपको 5 lake मिलेंगे, जैसे कि कौन कौन से लेक है, वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी और ऑन्टेरियो। ये पाँचों के पाँचों लेक कैसे हैं, फ्रेश वाटर लेक है। और इसलिए लेक्स को भी इन लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेक्स को भी इन लोगों ने क्या किया, तो डिवाइड किया। ये बॉर्डर का एरिया देखो, इसमें देखो, इसमें साफ कंट्री की बाउंड्री दिख रही है। लेक सुपीरियर ऑल्सो डिवाइड इंटू 2 countries, कैनेडा एंड यूएसए। लेक हुरॉन, लेक एरी एंड लेक ऑन्टेरियो, दिस लेक्स ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिसोर्स बिटवीन कैनेडा एंड यूएसए, एक्सेप्ट 1 lake, लेक मिशिगन। तो लेक मिशिगन कंप्लीटली कौन से गवर्नमेंट के अंडर है, यूएसए। और 4 lake कौन से बॉर्डर पर है, कैनेडा और यूएसए। इसमें प्रीलिम्स में सवाल कैसे पूछे थे, पहला उन्होंने 5 lake दिया था, 4 lake दिया था, और पूछा था वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू
वेस्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा लेक है जो कंप्लीट अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर है? लेक मिशिगन। और मिशिगन की किस सिटी का नाम? ये देखो, लेक मिशिगन की किस सिटी का नाम क्या है? शिकागो। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कार्स यहाँ मिलते हैं, डेट्रॉइट, दिख रहा है डेट्रॉइट? ठीक है, तो डेट्रॉइट, शिकागो, ये की सिटीज़ है, बफेलो, ओशावा, टोरंटो, ये की सिटीज़ है, हैमिल्टन। लेकिन ये सिटीज़ में आज सर्विस इंडस्ट्रीज बहुत टॉप है, लेकिन बहुत पहले क्या होगी, सर्विस टॉप होगी कि एग्रीकल्चर होगा? एग्रीकल्चर, मतलब ये सिटीज़ ने देखा है कि किस तरह से उनकी ज़मीन ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। आप दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, दिल्ली में आज आपको बड़े बड़े मॉल्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, पर 100 साल पहले दिल्ली की ज़मीन में क्या होगा? ठीक है, फॉरेस्ट होगा, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर आया, फिर वहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ, मतलब लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं? पूना का देखिए, पूना का पहले कैरेक्टर कैसा था? विलेज था, लेकिन आज अर्बन बढ़ रहा है कि नहीं रहा? मतलब ज़मीन एक ही है, ज़मीन चेंज हो रही है क्या? नहीं, इंसान ने क्या किया, लैंड यूज़ का पैटर्न चेंज किया, दिन ब दिन ज़मीन क्या हो रही, मॉडिफाइड होती जा रही है कि नहीं? नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, ये एप्लेशियन माउंटेंस का एरिया, ये ग्रासलैंड का एरिया, ये फ्रेश वाटर लेक्स का एरिया, मतलब पानी भी मिल गया, न्यूट्रिशियस ग्रास भी मिल गई, और यहाँ पे कोल भी मिल गया एप्लेशियन माउंटेंस में। मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ बैठेगी? अमेरिका की इस साइड की, इस साइड, इस साइड। इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी कहाँ मिलेगा आपको? इस साइड। इवन फ्लोरिडा, मियामी भी कहाँ मिलेगी? इस साइड। मतलब जहाँ रिसोर्स वहीं पर पॉपुलेशन बैठ गई, ठीक है, और ये डेजर्ट्स का पार्ट इधर का, इसलिए पॉपुलेशन यहाँ पे कम और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इस साइड में ज़्यादा होने का कारण क्या है? फ्रेश लेक्स का होना, ग्रासलैंड्स का होना, एप्लेशियन माउंटेन्स पर कोल का मिलना, नियरेस्ट सी कोस्ट होना, और इन सी कोस्ट का ज़्यादातर संबंध कौन सी कंट्री से? यूरोप से। मतलब ज़्यादातर ट्रेड कहाँ फ्लरिश होगा? इसी एरिया में, इसलिए पॉपुलेशन कहाँ बैठेगी? इसी सेक्टर में। ये देखिए यूएसए का पॉलिटिकल मैप, अमेरिका में 51 स्टेट्स है, 50 फेडरल स्टेट्स प्लस एक वाशिंगटन डीसी, ऐसे 51 फेडरल स्टेट्स है। और इस 51 फेडरल स्टेट्स की बात क्या है कि इसमें देखिए, ये दिख रहा है, इतना दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, अमेरिका में टोटल 51 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है, उसमें से उसकी राजधानी है 51 में वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इस मैप में देखिए, आपको यहाँ पर एरिया छोटा दिख रहा है कि नहीं? और इधर का मैप देखिए कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, मतलब इधर के डिस्ट्रिक्ट का साइज बड़ा है, इधर के डिस्ट्रिक्ट का साइज कम है, यहाँ पे लेस पॉपुलेशन, यहाँ पे मोर पॉपुलेशन। मोर पॉपुलेशन ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? कोस्ट का होना। अब कोस्ट यहाँ पे भी है, पर ज़्यादातर अमेरिकन्स और यूरोप का ट्रेड कैसा है? ज़्यादा है, इसलिए आपको रिलेशनशिप यहाँ मिलेगी। साथ साथ फ्रेश वाटर लेक का होना, ग्रासलैंड्स का होना, और कोल्स का फॉर्म होना इस एरियाज पर, वही डेजर्ट्स यहाँ पे, इसलिए आपको बड़े बड़े, जैसे राजस्थान, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान क्यों है? क्योंकि वहाँ की लैंड क्या है, प्रोडक्टिव क्या, अनप्रोडक्टिव? ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव, यहाँ पे डेजर्ट्स ही क्या है ज़्यादा। इसलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, यहाँ देखो, ओरेगॉन, नेवेदा, कैलिफोर्निया, एरिजोन, तो ये क्या है? तो डेजर्ट्स पार्ट है किसके? नॉर्थ अमेरिका, यूएसए। अब ये देखिए इस मैप में, इवन टेक्सास दिख रहा है, टेक्सास भी इतना बड़ा है क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, ह्यूमिड क्या, एरिड होगा, स्वाभाविक है एरिड होगा, तभी एरिया कितना है, बड़ा है, और ह्यूमिड इस साइड मिलेगा। यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो पॉपुलेशन कम कहाँ हो रही है, ज़्यादा कहाँ है? ईस्ट पे, और कम कहाँ हो रही है? वेस्ट पे। इंडिया में भी देखो ना, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ पे है? ग्रासलैंड्स में कि माउंटेन्स के एरियाज़ में? नहीं, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन ग्रासलैंड, मतलब जो फ्लैट एरियाज, यूपी बिहार कैसे ऑलमोस्ट फ्लैट,
फर्टाइल प्लेन्स पर है। तो फिजियोग्राफी मेंटेन करती है पॉपुलेशन को। नेक्स्ट, अब दूसरा फैक्ट, ये हो गया बेसिक फैक्ट प्रेरिस के बारे में। उसके बाद द प्रेरिस कवर पार्ट्स ऑफ टू कंट्रीज, बेसिकली अमेरिकन कंट्री एंड कैनेडा। अब प्रेरिस में, ग्रासलैंड्स में अगर रिवर्स जाती तो और भी अच्छी है। तो कौन कौन से रिवर्स है प्रेरिस के? फर्स्ट है मिसिसिपी, और दूसरी कैनेडा की सास्का, क्या कहेंगे आपको, सास्का चिवन रिवर्स। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कहाँ पर ड्रेन कर रही है, तो प्रेरिस में। दोनों रिवर की खास बात क्या है? तो ये रिवर्स यहाँ जा रही है, ये देखिए सास्का चिवन रिवर्स कैनेडा की तरफ, और ये मिसिसिपी रिवर है, ये है मिसिसिपी रिवर, ये मिसिसिपी रिवर का फोटो है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज मिसिसिपी। ये नॉर्थ से निकल रही है और जा कहाँ रही है? साउथ में, कौन से गल्फ में एंटर कर रही है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पूरे नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी। और पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े गल्फ में एंटर कर रही है, उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब अमेरिका के प्रेरिस एरियाज में केमिकल्स का यूज़ होता होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता होगा शिकागो का, ये सब अनट्रीटेड कहाँ जा रहा होगा? मे बी मिसिसिपी में। मतलब पोल्यूशन किसका बढ़ रहा है? गल्फ ऑफ मेक्सिको का। और कनाडा के इंपॉर्टेंट रिवर का नाम है मैकेंजी रिवर है, सास्काचेन रिवर्स है, ये और इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये सभी के सभी रिवर्स ज़्यादातर कहाँ जा रहे? तो आगे की तरफ जा रहे, नॉर्थ की तरफ, मैकेंजी से। नेक्स्ट, प्रेरिस के एरियाज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है? द इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ अमेरिकन प्रेरिस आर शिकागो, मिनियापोलिस और इंडियानापोलिस, कैंसेस और डेनवर। और कनाडा के तरफ में कौन कौन से थे? एडमॉन्टन, ठीक है, सास्काटून, कैलगरी एंड विनिपिग। ये जितने भी नाम है ये वहाँ के रिचेस्ट लोग हैं, ये रिचेस्ट सिटीज़ है। और कभी इनका प्रोफाइल क्या था? एग्रीकल्चर था, लेकिन अभी सर्विस इंडस्ट्रीज डोमिनेंट इस एरियाज, ठीक है। इनको घर जाके मैप में ढूंढना, और मैप में कहाँ पे, तो एनसीईआरटी के इसमें ढूंढना, ये क्लियर नहीं आया, यहाँ आपको आपको सिटीज़ का नाम मिल जाएगा, प्लीज़ मैप में देखिएगा। दूसरा, अब पैटर्न देखो, पुराना हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है? तो ये जो प्रेरिस के ग्रासलैंड थे ये बेसिकली कौन से लोगों के, किसके घर थे? ये नेटिव कौन से अमेरिकन, मतलब ट्राइबल बेल्ट था एक्चुअली। और वहाँ पे कौन से ट्राइब्स रहते थे अमेरिका के नेटिव लोग, जिनका क्या नाम था? रेड इंडियंस। तो रेड इंडियंस क्या है? ट्राइब का नाम है, जो कौन से एरिया में रहते थे कभी? अमेरिका में मेजोरिटी में रहते थे, आज वो लोग क्या हो बेचारे? माइनॉरिटीज़ बन गए। तो अमेरिकन प्रेरिस में बेसिकली क्या था? दे वर द एक्चुअल हैबिटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। द प्रेरिस आर होम टू अदर ट्राइब्स ऑल्सो, लाइक जैसे कि अपाचे, क्रो, क्री एंड पॉनी, ये सब किसके नाम है? ट्राइब्स के नाम है, जो कौन से कॉन्टिनेंट में रहते थे? नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा प्रेरिस की खास बात क्या है कि प्रेरिस में, ठीक है, ठंडी में एक हवा चलती है, ठीक है, उसका नाम क्या है? चिनुक। मतलब प्रेरिस में ग्रासलैंड के वक्त में क्या होता है कि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते वहाँ पे एक गर्म हवा चलती है, उस गर्म हवा का नाम क्या है? चिनुक। तो चिनुक इज़ बेसिकली विच विंड? लोकल विंड है। द एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट एंड आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रास, पर एक उस एरिया पे लोकल विंड चलती है, इसका नाम है चिनुक, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये जो कनाडा का विनिपेग है, कैलगरी है, यहाँ पर विंटर में टेम्परेचर कितना हो रहा है? -20, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे क्या होती है? ब्लैंकेट। और उसी वक्त में एक लोकल विंड चलती है, जो इसको बेनिफिशियल विंड्स कहते हैं अमेरिका के लोग और कनाडा के लोग। कौन से विंड्स? बेनिफिशियल, क्योंकि अगर ये नहीं बहेगी तो टेम्परेचर कितना रहेगा? -20। तो चिनुक क्या है? तो एक प्रकार की ठंडी में बहने वाली कौन सी विंड है? हॉट विंड, जो कहाँ बह रही है? विंटर्स, शॉर्ट टाइम के लिए, जिससे क्या हो रहा है कि उस एरिया का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। और बर्फ अगर हो रही है तो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी, मेकिंग पैस्चर्स लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो इस तरह से ये विंड बेनिफिशियल होगी कि हार्मफुल हो गई? जैसे इंडिया में गर्मी में लू चलती, वो बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है? हार्मफुल है। गर्मी में लू चलती ना, गर्म हवा है, वो क्या है? हार्मफुल। तो दूसरी विंड चिनुक कैसी है? बेनिफिशियल विंड्स।
मतलब विंड दो प्रकार की हो सकती है, बेनिफिट वाली और हार्मफुल वाली। इसके अलावा इस रीजन पे, प्रेरिस पे लोग कैसे ज़्यादातर हार्ड वर्किंग, क्योंकि बेसिकली ये ट्राइबल बेल्ट था। दूसरा, दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस नाउ, अभी ये हार्ड वर्किंग पीपल्स ने क्या यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कौन सा रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। इसके अलावा ठीक है, और इस एरिया का रिसोर्स वो यूज़ कर रहे हैं। द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर कैनेडन्स एंड USA, और इस स्वाभाविक है डेवलप कंट्रीज है तो क्या कैसा यूज़ करेंगे, साइंटिफिक मेथड की ट्रेडिशनल मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स। इनके पास बड़े बड़े क्या है, ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है, और वो बड़े पैमाने पे खेती करते हैं। स्लैशन बर्न करेंगे क्या, कि कमर्शियल एग्रीकल्चर करेंगे, कमर्शियल एग्रीकल्चर, और कमर्शियल एग्रीकल्चर करते करते वो क्या बन गए, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। और किसकी खेती करते हैं, वीट की। और नॉर्थ अमेरिका ट्रॉपिकल में आता है कि टेम्परेट में, टेम्परेट में, तो वो कौन सा करेंगे, वीट। तो प्रेरिस का और एक नाम क्या है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। और प्रेरिस कौन से क्रॉप के लिए फेमस है, राइस की, वीट, वीट के। अब जो कि बेनिफिशियल विंड्स चलती है और नए नए घास निकलती है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, अच्छा लाइफ स्टॉक का ग्रेजिंग अच्छा रहेगा, और लाइफ स्टॉक है तो क्या ज़्यादा रहेगा, डेयरी फार्मिंग। द डेयरी फार्मिंग बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक में कितने लेक थे, 5 लेक्स, टू अटलांटिक कोस्ट। मतलब वो एरियाज, अभी डेयरी फार्मिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, अभी ये सर्विस इंडस्ट्रीज बन गए। अब वहाँ पे देखो डेयरी फार्मिंग के साथ साथ डेवलप कंट्रीज है, इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल अच्छा है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट कर ले उसको, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कि ब्रेड बटर का एरिया, बटर और मिल्क या चीज़, ये वर्ल्ड में बेस्ट कहाँ के मिलते हैं, इसी एरियाज के साथ साथ। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में मिल्क बहुत अच्छा है, पर मिल्क के प्रोसेस फूड्स है क्या, क्योंकि इंडिया में क्या नहीं है, तो कंक्लूजन क्या है, वी हैव टू फोकस ऑन विच टॉपिक। इंडिया में क्रॉप्स बहुत है, ठीक है, इंडिया में लाइफ स्टॉक एनिमल्स भी बहुत है, पर इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए ऐसे एरिया पे फोकस करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो उनमें से एक है इंडस्ट्री, ये एक क्रॉप्स है, एक एरिया है। इसके अलावा प्रेरिस ऑल्सो गुड फॉर, ये नहीं कह सकते कि प्रेरिस एरियाज में मिनरल्स नहीं मिलते, प्रेरिस में क्या मिल रहे हैं, मिनरल डिपॉजिट्स भी, जैसे कि कोल है, आयरन ओर है, ठीक है। साथ साथ में प्रेरिस का ज्योग्राफी कैसे ऑलमोस्ट फ्लैट, इसलिए क्या है, रोड्स है, रेलवे से और कैनल से, धीरे धीरे एग्रीकल्चर एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड। और जो कि लाइफ स्टॉक ज़्यादा है और ग्रासेस का एरिया ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे क्या बन गए, लार्ज कैटल फॉर्म्स कॉल्ड रैंचेस, और उनको ढूंढने के लिए वहाँ पर क्या है, काउबॉयस, अमेरिकन बफेलो या फिर बाइसन, उस ग्रासेस को ईट करने के लिए इम्पोर्टेंट एनिमल। पर इस एरियाज में क्या हो रहा है कि ये एनिमल भी क्या हो रहा है, गॉट इंस्टिंक्ट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट हंटिंग। पर अभी गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, जैसे इंडिया में भी है ना प्रोटेक्टेड एनिमल्स, IUCN लिस्ट आपने सुना होगा, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो सब क्या हो गया, इस तरह का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। गोफर्स, प्रेरी डॉग्स, क्योर्स, रैबिट्स, इनका भी फोटो देखना, स्पेशली इसका फोटो देखना, ये डॉग नहीं है, प्रेरी डॉग डॉग नहीं है, ये गिलहरी के प्रकार के होते हैं, ये बरोइंग एनिमल्स है, जानबूझ के इधर रहते हैं, प्रेरी डॉग्स। दिखाओ क्या फोटो इनका, ये देखो बरोइंग एनिमल्स है कि नहीं, प्रेरी डॉग्स। नेक्स्ट, दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम दिया क्या है, बेल्ट्स, ये कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। अब इसको लिंक क्यों किया, क्योंकि ये वर्ल्ड के बेस्ट डायमंड रीजन्स हैं, ठीक है। द बेल्ट्स आर गुड फॉर रोलिंग प्लेटूस, यहाँ पे देखो दो केस स्टडी दिया है, एक प्रेरिस में ग्रास फ्लैट एरिया था, ग्रास का था, यहाँ पे ग्रास के साथ साथ क्या है, यहाँ पर प्लेटूस है। इसके पास साउथ अफ्रीका की कौन सी माउंटेंस है, ड्रैकन्सबर्ग, उसके पास कौन सी माउंटेंस थी, रॉकीज। उसके बाद फर्क इतना है कि वेल्ड्स इस साइड है और ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ पे, ईस्ट के तरफ में, अफ्रीका में। दिया है क्या फोटो, ये देखो, ये अफ्रीका का ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स, और ये मॉइस्चर आ रहे,
ये मॉइस्चर यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे फॉरेस्ट मिलेगा और इसका रेन शेड इधर आ गया, वेल्ड्स ग्रासलैंड। नेक्स्ट एग्जांपल, टू द वेस्ट लाइज द कालाहारी डेजर्ट, ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हाई वेल्ड्स आर लोकेटेड दैट एट द अबाउ 1600 मीटर्स हाइट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, और दो रिवर्स का नाम बताया गया जो आपको देखना है, जैसे वहाँ पे दो रिवर्स था, साक्सकेवन और दूसरा मिसिसिपी, वैसे वेल्ड्स के दो इंपॉर्टेंट रिवर ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर्स। दोनों की खास बात क्या है, तो ऑरेंज रिवर इस साइड जाती है, ये फोटो देखो, ये कौन सी रिवर है, ऑरेंज रिवर, मतलब ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन से कौन सी रिवर निकल रही, ऑरेंज, और ड्रेन कहाँ कर रही, अटलांटिक ओशियन, और इधर से लिम्पोपो रिवर आ रही है, और ये कहाँ जा रही है, इंडियन ओशियन में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, प्रीलिम्स में सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कैप्रिकॉन को दो बार कट करती है, लिम्पोपो रिवर। ये देखो ऐसा कर्व आ रहा है, ऐसा मैप में देखो ऐसा कर्व है, द लिम्पोपो इज द ओनली रिवर विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, लिम्पोपो। और उस दिन मैंने कॉन्गो के बारे में बताया था कि कॉन्गो नदी किसको कट करती है, इक्वेटर को दो बार कट करती है, और लिम्पोपो कैंसर को दो बार। और लिम्पोपो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडियन ओशन की रिवर है, लिम्पोपो ड्रेन टुवर्ड्स इंडियन ओशन, वेर एज ऑरेंज रिवर ड्रेन टुवर्ड्स अटलांटिक। तो ऑरेंज का माउथ कौन से ओशन में हुआ, अटलांटिक, और लिम्पोपो का माउथ इंडियन ओशन, और वेल्ड्स इन दोनों के बीच में मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि नहीं। और इस एरिया का इंपॉर्टेंट सिटी कौन सा है, वेल्ड्स का गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका का सिटी का नाम सुना हो ना, जोहान्सबर्ग, इसको गोल्ड कैपिटल कहा गया है। और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इस गोल्ड कैपिटल रीजन पे डायमंड्स भी मिलते हैं। ठीक है, रीजन का नाम क्या है, किम्बरले, किम्बरले इज अ फेमस फॉर डायमंड माइंस एंड द माइनिंग ऑफ डायमंड्स एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड विथ ब्रिटेन एंड साउथ अफ्रीका बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी, मतलब पहले ट्रेड हुआ साउथ अफ्रीका ब्रिटेन का, लेकिन जब ब्रिटेन के लोगों को पता चला कि यहाँ पे गोल्ड और डायमंड ज़्यादा है, तो उन लोगों ने कौन से कंट्री इसको कवर्ड करके क्या बना लिया, अपना ब्रिटिश कॉलोनी। और फिर ब्रिटिश कॉलोनी बनने के बाद क्या हुआ कि इस मिनरल रिच एरिया से वेल डेवलप्ड क्या बनाया गया, नेटवर्क, और वो लोग एक्सपोर्ट करके कहाँ लेके गए, अपनी तरफ, ब्रिटिश के तरफ। इवन वेल्स हैव रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स के साथ साथ क्या है, आयरन एंड स्टील भी मिलेगा, कोल भी मिलेगा और आयरन में। तो वेल्स में कौन कौन से टॉपिक मिल रहे हैं, एक आयरन हुआ, दूसरा कोल, तीसरा आपका डायमंड, और फोर्थ गोल्ड। ये देखो लिखा है यहाँ पे, जोहान्सबर्ग इज नोन फॉर बींग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये वेल्ड्स में देखा जाता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिर्फ ग्रासेस ही है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड के बेस्ट मिनरल्स भी मिलेंगे। इसका फोटो देखना, कुडू, चीता, लेपर्ड, लायंस, ये आपको कहाँ मिलेंगे, साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स में। कुडू का फोटो देखो, इंसान से कितना बड़ा है, ये स्वाभाविक है, एंटीलोप तो होगा ही, इसके हॉर्न दिख रहे कि नहीं, ठीक है, इतने हॉर्न तो हो ही नहीं सकते हैं, अगर है हॉर्न तो भी एंटीलोप का टाइप हो गया, डियर का, एंटीलोप, कुडू, ये कहाँ मिलेगा आपको, नीलगाय जैसा ही है। तो कुडू इज अ हर्बीवरस एनिमल फाउंड इन वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। लास्ट है डेजर्ट्स के बारे में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट और वार्म डेजर्ट का नाम क्या है, सहारा। ये टोटल 11 कंट्रीज़ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे डेजर्ट्स है तो काम क्या रहेगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा रहेगा कि सर्विस सेक्टर, सर्विस। अब एग्रीकल्चर में भी खेती नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर में कौन क्या करेंगे, तो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री भी किसका टाइप है, एग्रीकल्चर का ही टाइप होता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी कह सकते हैं। अब यहाँ पे सहारा डेजर्ट में ज़्यादातर जो ट्राइब्स रहते हैं उनका नाम है टॉरक्स, टॉरक क्या है, तो ट्राइब्स के नाम, और इनका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, ज़्यादातर नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। जैसा अभी हमने वेल्ड्स के पास कौन सा डेजर्ट पड़ा था, वेल्ड्स के पास कौन सा डेजर्ट पड़ा था, कालाहारी, कालाहारी अफ्रीका की तरफ डेजर्ट देखा जाएगा, और कालाहारी डेजर्ट्स में कौन से लोग मिलेंगे, तो बुशमैन ट्राइब्स, जैसे
गुज्जर लोग कहाँ मिलेंगे इंडिया के, कौन से इसमें, गुजरात में और डेजर्ट्स रीजन में मिलेंगे। वैसे ही बुशमैन ट्राइब्स ऑफ कालाहारी एंड टोरिक ट्राइब्स ऑफ सहारा डेजर्ट्स। और ट्राइब क्या करेंगे, अब ट्राइब्स है तो बेसिकली एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, इनका ज़्यादातर ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, नोमैडिक हर्डिंग, एनिमल्स ज़्यादा रहेंगे। अब सहारा डेजर्ट में कैमल्स रहेंगे कि शिप्स रहेंगे, हाँ वो भी डिपेंड करता है, कैसा डिपेंड करता है, तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में देखिए, ये एरिया लैंडलॉक्ड है कि नहीं, मतलब यहाँ पे पानी ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो यहाँ पे कौन सा एनिमल सर्वाइव करेगा, कैट सॉरी कैमल सर्वाइव करेंगे कि शिप्स अच्छे सर्वाइव कर सकें, कैमल्स। और यहाँ पर आपको कैमल्स के साथ क्या मिलेंगे, शिप्स, क्योंकि पानी की अवेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ का शिप्स, यहाँ के शिप्स का जो वूल निकलेगा वो कौन से कंट्री में जाएगा, यूरोप में, ठीक है। यूरोप में ठंडी ज़्यादा होती है, यहाँ पे ठंडी होती क्या उतनी नहीं, तो यहाँ से शिप्स निकाल के उस एरियाज में वो ट्रेड करेंगे। तो सहारा डेजर्ट्स के बारे में देखो, सहारा कितने कंट्रीज़ में आता है, तो टोटल 11 कंट्रीज़ में। इस तरह से वर्ल्ड का क्या हो गया, लार्जेस्ट डेजर्ट, सहारा इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। और इसका फोटो देखो, सहारा कितने कंट्रीज़ में आ रहा है, तो इनके कंट्रीज़ के नाम लिखे, टोटल कितने कंट्रीज़ है, 11 कंट्रीज़, ठीक है। कॉन्गो कंट्री में आ रहा है क्या, आ रहा है, साउथ अफ्रीका में आ रहा है क्या, नहीं, तो 11 कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीका काफ़ी नीचे है, कॉन्गो यहाँ पे, तो कितने कंट्रीज़ है टोटल, 11, उनका नाम घर पढ़ लेंगे आप लोग। इसके अलावा सहारा डेजर्ट से इक्वेटर लाइन जा रही है क्या, नहीं जा रही, ठीक है। अब इक्वेटर, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 से, इसका मतलब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जाने से और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये देखिए एनसीईआरटी कह रहा है कि, एनसीईआरटी ने लिखा है कि सहारा में कितने कंट्रीज है, 11, उनके नाम दिया, पॉइंट फर्स्ट। इस पूरे एरिया में क्या है, तो सिर्फ रेत नहीं है, सहारा में रेत कम है और पत्थर ज़्यादा है, बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड द सहारा डेजर्ट ऑल्सो कवर्ड विद प्लेन ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेटूज विद बेयर रॉकी सरफेस, ठीक है। और कभी कभी इतने रॉकी सरफेस है कि उनकी हाइट कितनी है, 2500 मीटर्स के ऊपर है एट सम प्लेस, मतलब सह्याद्री पर्वत से ऊपर हो गया, सह्याद्री माउंटेन से भी ऊपर की हाइट पे। तो ध्यान रखिए, भारत का जो थार डेजर्ट है वो कंप्लीट सैंड का है, लेकिन राजस्थान, ये जो सहारा डेजर्ट है वो पूरा रेत का नहीं, वो मिक्सचर है। तो क्या क्या मिक्सचर में वहाँ मिलेगा, तो सैंड्स मिलेगा, प्लेटूज मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे आप। इसके अलावा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, इसलिए वहाँ पे क्लाइमेट क्या रहेगा, ज़्यादा कि कम, ज़्यादा रहेगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादातर क्लाउड्स कैसे होते हैं, लेस होते हैं, मतलब लेस, द स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर। रीज़न क्या होता है कि हाई प्रेशर बेल्ट है, बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर। इसके अलावा अब इंडिया में देखिए ना, इंडिया में ज़्यादातर क्लाउड्स होते हैं हर दिन, नहीं, स्पेशली क्लाउड्स का पैटर्न कब बनता है, जब मानसून आते हैं तब हेवी क्लाउड्स आते हैं, बाकी विंटर्स में क्लाउड्स कम होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक एरियाज में ज़्यादातर कैसा होता है, क्लाउडलेस और क्लियर। वही इक्वेटर एरिया में क्या होता है, क्लाउड्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अब आसमान साफ रहेगा तो सूरज की रोशनी भी ज़्यादा आएगी, और क्या होगा, मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर एंड एक्यूमुलेट्स। उसके बाद इसकी वजह से आसमान साफ रहेगा तो डे कैसे रहेंगे, हॉट, ठीक है, और नाइट्स कैसे रहेगी, फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 degrees, नियरिंग 0 degree लिखा है। अब सहारा डेजर्ट्स में पीपल का इंट्रैक्शन कैसा है, फर्स्ट टोरेक ट्राइब्स कहाँ देखा, अभी मैंने लिखा दिया था सहारा में, तो सहारा के डेजर्ट में कौन से ट्राइब्स मिलेंगे, टोरेक्स, इवन एनसीईआरटी ने और एक नाम दिया, बेडोइन ट्राइब्स और टोरेक ट्राइब्स ऑफ सहारा, ये फर्स्ट टॉपिक। दूसरा, ये ट्राइब्स का काम क्या है, नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब एग्रीकल्चर कर रहे क्या, नहीं, अपने घर में क्या पाल रहे, तो गोट्स, शिप्स, कैमल्स और हॉर्सेस, इनको क्या कहेंगे हम लोग, लाइफ स्टॉक। थर्ड एग्जांपल, इन लाइफ स्टॉक से क्या मिलता है हमारे लोगों को, तो उनको क्या मिलता है, मिल्क। दूसरा, हाइड्स, हाइड्स मतलब लेदर, जिससे क्या बनते हैं, बेल्ट्स, वॉलेट, बूट्स, ये सब, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, इवन हेयर इज़ यूज्ड फॉर
मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। इसके अलावा डेजर्ट्स के एरियाज़ में आपको डिप्रेशन एरियाज़ मिलेंगे, ऐसे गड्ढे जैसे एरियाज़ मिलेंगे, उनको क्या कहा गया? डिप्रेशन। और उस गड्ढे वाले एरियाज़ के आसपास में पानी अगर जमा हो जाएगा तो ग्रीनरी आ जाएगी, उसको क्या कहते हैं? ओएसिस। ये देखिए ओएसिस का फोटो दिख रहा है। तो ये डेजर्ट्स के एरिया में डिप्रेशन आने की वजह से वहाँ पर वाटर एक्युमुलेट हो चुका है, या फिर नीचे से आ सकता है या रेन वाटर आ सकता है, और आसपास में वेजिटेशन ग्रो हो गया, दिख रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे? ओएसिस। और ये कहाँ पे बनेंगे? कौन से रीजन में? डिप्रेशन एरियाज में, डिप्रेशन एरियाज में। तो डिप्रेशन वर्ल्ड में कहाँ बनते देखे आपको? तो डेजर्ट्स में मिल रहे हैं। ये देखो लिखा है डिप्रेशंस क्या है। तो डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन विंड ब्लोज अवे विद द सैंड्स एंड द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द अपर एरियाज एंड फॉर्म्ड ओएसिस। ओएसिस क्या है? तो दिस एरियाज आर फर्टाइल एंड पीपल हियर सेटल्ड अराउंड दिस वाटर बॉडीज एंड ग्रो विच पाम्स, खजूर के पेड़, डेट पाम्स। समटाइम्स द ओएसिस मे एबनॉर्मली लार्ज। दुनिया का सबसे बड़ा ओएसिस कौन सा है? टीफा लेलेट ओएसिस, जो कौन से कंट्री में है? मोरक्को। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये है ओएसिस है। तो लार्जेस्ट ओएसिस इन द वर्ल्ड टीफा लेलेट ओएसिस इन मोरक्को। फिर कल एक केस स्टडी पढ़ा था हमने कि पहले अफ्रीका के एरियाज़ में या डेजर्ट्स के एरिया में लोग एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक करते थे, बाद में वहाँ पे क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ ऑयल, और पूरा ही अफ्रीका का पैटर्न चेंज हो गया। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट में क्या मिल गया? ऑयल मिल गया। तो वहाँ का क्या हो गया? लाइफ कैसी हो गई? ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। जो लोग कभी बेडूइंस और टॉरक्स छोटे छोटे काम करते थे, आज वो मिनरल के एरियाज़ में काम करने लग गए। यहाँ पे देखो द कम्प्लीट सहारा लैंडस्केप इज चेंजिंग। वहाँ पर अभी क्या बन गया? अच्छे अच्छे ग्लासेस, मतलब बिल्डिंग्स बन गए, सुपर हाईवेज बन गए। मतलब जो इशू था बहुत पहले डेजर्ट्स का, वो अभी रहा क्या? नहीं। जो टॉरक्स जो लाइफ स्टॉक के काम करते थे, आज वो क्या बन गए? गाइड्स बन गए टू फॉरेन टूरिस्ट। और ज़्यादातर उनके बच्चे कहाँ काम कर रहे? तो ऑयल और गैस ऑपरेशंस में। मतलब उनका जो बेसिक ऑक्यूपेशन था नोमैडिक, वो रहा क्या? अभी वो कौन से सेक्टर में आ गए? सर्विस सेक्टर में। इस तरह से लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो गई वहाँ। और ओएसिस बोले तो ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम। इवन इन रेत के एरियाज पर आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा? स्कॉर्पियोज, लकड़बग्गा, जैकल्स और फॉक्स मिलेंगे, हाइनास सब मिलेंगे। अब लास्ट है आपका लद्दाख, और ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। लद्दाख का मैप देखिए। ग्रेटर हिमालय के रेन शेडो होने की वजह से क्या बना? कोल्ड डेजर्ट। इंडिया में हॉट डेजर्ट के अलावा कोल्ड डेजर्ट भी है, जिसका नाम है लद्दाख। ये व्हाइट वाला पार्ट क्या है? कोल्ड डेजर्ट। हाउ कोल्ड डेजर्ट फॉर्म? ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट ऑफ विच माउंटेंस? ग्रेट हिमालयस। ज़्यादातर ये कोल्ड डेजर्ट्स कहाँ मिलेगा? तो लद्दाख रीजन। इंडिया की लार्जेस्ट सिटी का नाम भी क्या है? लद्दाख। और सेकंड लार्जेस्ट सिटी का नाम? कश्मीर। ठीक है, ये देखो, ये जम्मू, ये कश्मीर, ये वाला रीजन कौन सा है? ये वाला जम्मू, इतना पार्ट जम्मू, इतना पार्ट कश्मीर, इतना पार्ट लद्दाख। इवन कल्चरल डेमोग्राफी का सेटिंग भी चेंज हुआ है। जम्मू में आपको हिंदू लोग मिलेंगे, कश्मीर में मुस्लिम्स लोग मिलेंगे श्रीनगर, और यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इंडिया में कोल्ड डेजर्ट का नाम है ये। और इस देखो कोल्ड डेजर्ट्स के एरिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कोल्ड डेजर्ट में फ्लो? एक है इंडस, दूसरी शोक। शोक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इवन जास्कर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। जास्कर या संस्कार को इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो जास्कर ये और शोक इधर, इंडस इधर। और लद्दाख का कैपिटल का नाम क्या है? ले, जैसे कश्मीर का श्रीनगर वैसा। तो लाइफ इन कोल्ड डेजर्ट लद्दाख देखे। लद्दाख कैसा है? तो कोल्ड डेजर्ट से। क्यों कोल्ड डेजर्ट बना? रेन शेडो ऑफ ग्रेट हिमालय। ठीक है, उसके उस साइड में, लद्दाख के उस साइड में कौन से पहाड़ी है? कारा कोरम रिज इन द
नॉर्थ एंड जास्कर माउंटेंस इन द साउथ. और इन इनके बीच से कौन सी रिवर जाती है? इंडस, जो इस एरिया में क्या बनाती जा रही है? डीप वैलीज एंड गॉर्ज. साथ साथ लद्दाख में आपको बहुत सारे पहाड़ी एरिया पे क्या मिलेंगे? ग्लेशियर्स. उनमें से सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ मिलेगा? इंडिया में, लद्दाख में. इसके अलावा एक ग्लेशियर का नाम क्या दिया है? गांगरी ग्लेशियर भी दिया है. ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो लद्दाख के एरियाज में मिलेगा आपको. इसके अलावा कारगिल वगैरह का एरिया है. अब जो कि ऊंचाई क्षेत्र ज़्यादा है, इंडिया का हाईएस्ट प्लेटू का नाम क्या है? लद्दाख प्लेटू. हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लद्दाख. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा? कोल्ड. और कोल्ड हवा कैसी रहती है? ड्राई होती. कभी कभी टेम्परेचर नाइट में कितना चला जाता है? -30 चला जाता है. इसलिए फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स. तो कब कब टूरिज्म पोटेंशियल रहेगा लद्दाख का? विंटर्स में कि समर्स में? विंटर में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा रहेगी. तो किस में काम करेंगे वो? समर्स में. द टेम्परेचर मे रिमेन -40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. ये देखो सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख रिज. तो यहाँ पर बारिश कम है क्योंकि वो किसके रेन शेडो में आता है? हिमालय. ऊपर से ठंडी हवाएं चलती है. ठीक है. और दूसरा, द एरिया एक्सपीरियंस ऑल्सो बर्निंग हॉट सनलाइट. ऑलरेडी यहाँ पर सूरज की रोशनी कम है, पर ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेयर पतला हो जाएगा एज हाइट इंक्रीजेस. ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है. लेकिन और हवा भी कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है, जिसके चलते बहुत जल्दी आपको लद्दाख में क्या हो जाएगा? सनबर्न. ठीक है, तो लद्दाख का एरिया में ध्यान रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम होगा ही है, साथ साथ एयर भी कैसी होगी? थिन. और एयर अगर थिन हो जाएगी तो हमको सन की रेज बहुत जल्दी ही टच करेंगे, बहुत जल्दी ही हमको क्या करेंगे? बर्न. तो ज़्यादातर जब हमारे लोग काफ़ी दिन तक, एक महीने तक वहाँ पे घूमेंगे, 15 दिन तक घूमेंगे और दिन में घूमेंगे, तो सन बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमको उधर की आदत नहीं होती इसके. यह देखो लिखा है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विथ योर फीट इन द शेड यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम. क्योंकि शेड में रहेंगे तो ठंडी लगेगी और धूप में रहोगे तो सनस्ट्रोक होगा. अब पीपल ज़्यादातर क्या मिलेंगे इस रीजन में? आप तो मुस्लिम्स रहेंगे या फिर बुद्धिस्ट. इस एरिया में बुद्धिस्ट मिलेंगे और जो श्रीनगर का लग के वहाँ पे क्या मिलेंगे? मुस्लिम्स. और ज़्यादातर मुस्लिम बुद्धिस्ट है तो वो लोग किस विहार का यूज़ करते हैं, उनको वो लोग क्या कहते हैं? गोम्पास. तो कौन का? और बुद्धिस्ट के गोम्पास का मॉनेस्ट्री का नाम क्या है? हेमिस, थीशे, शे और लमारू. ये सब क्या है? तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, या फिर उनको क्या कहते हैं? गोम्पास. बुद्धिस्ट लोग जहाँ पूजा करते हैं उनको क्या कहते हैं? मोनेस्ट्रीज. ये सभी मोनेस्ट्री के नाम प्रीलिम्स में आ चुके हैं. ये सब मोनेस्ट्रीज कहाँ मिलती है? सिक्किम में कि लद्दाख में? लद्दाख में. ये देखो, ये है मोनेस्ट्रीज और हेमिस मोनेस्ट्री. 3 Idiots मूवी में देखा होगा आपने इसको. ठीक है, उसमें दिखाया है 3 Idiots मूवी में, हेमिस मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख. और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, पटोला पैलेस. इसका फोटो देखिए, यहाँ का लैंडस्केप देखिए कैसे, पूरा अर्बनाइज्ड एरिया है. ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री पटोला पैलेस. ये इंडिया में नहीं है. ये कहाँ मिलेगा आपको? टिबेट, चाइना. इसके अलावा बुद्धिस्ट लोग जो मोनेस्ट्रीज की पूजा करते हैं, इसके अलावा बुद्धिस्ट लोग इस एरियाज में क्या बनाते हैं? क्रिकेट बैट्स. क्योंकि सॉफ्ट वुड होने की वजह से वहाँ पे क्या बनेंगे? क्रिकेट बैट्स. और क्रिकेट्स के बैट ज़्यादातर कौन से वुड से बनते हैं? पेड़ का नाम क्या है? विलो ट्रीज या डार्फ विलो ट्रीज. तो विलो ट्रीज से कौन सी बैट बनती है? वर्ल्ड के बेस्ट बैट्स बनते हैं विलो ट्रीज से. ठीक है, अब दूसरा देखो, समर सीजन्स में यहाँ पे जब गर्मी रहेंगे तो वहाँ पे पीपल क्या करेंगे? बिजी इन कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीज,
बीन्स और टर्निप। टर्निप क्या होते हैं? फ्लावर नहीं है, फूड का ही नाम है। वो फ्लावर ट्यूलिप है, ये टर्निप है। शलगम समझता है? शलगम नहीं खाए? टर्निप ये भी कहाँ मिलता है? ये तो ये टेम्परेट क्रॉप हुआ कि ट्रॉपिकल क्रॉप हुआ? टेम्परेट। ये भी क्रॉप कौन सा हुआ? टेम्परेट। यहाँ पे ही आपको देखो बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, बिटवीन लाइंस पढ़िए। इनमें से कौन कौन से क्रॉप्स ट्रॉपिकल हुए? स्वाभाविक है कोई भी क्रॉप ट्रॉपिकल नहीं होगा, जैसे कि बार्ले। इवन मेट्रिन सी में आपको क्या मिलेंगे? बार्ले, ठीक है। पोटैटो भी कौन से क्रॉप्स हो गए? टेम्परेट। इवन पीस ठंडी में आते कि नहीं? पीस, वो भी क्या हो गए? टेम्परेट। बीन्स और टर्निप ये भी क्या हो गए? टेम्परेट, ठीक है। क्लाइमेट देखो कैसा, वाइट था कि नहीं, और कलर कैसा था? लैवेंडर टाइप था, लैवेंडर। और ये इवन इंडिया में ज़्यादातर आपको लैवेंडर के फ्लावर्स भी कहाँ मिलेंगे? लद्दाख एरियाज में। लैवेंडर का फ्लावर देखा कौन से कलर का होता है? लैवेंडर के फ्लावर कौन से कलर के होते हैं? जितने नाम मिलेंगे ना नए नए, सबका इमेज कम से कम देखो, समझ में कैसा आएगा आपको? फिर कौन सा कलर है? पर्पल, ठीक है। लैवेंडर्स, इनका भी इंडिया में बहुत ज़्यादा, और ले भी एक प्रकार की घास है, लैवेंडर कलर है। ये लैवेंडर्स, ये भी वहाँ पे होते हैं। इवन आपने इसका नाम सुना होगा अपना केसर, वो भी ज़्यादातर कहाँ होता है? लद्दाख में ही होता है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। और केसर का फ्लावर भी कैसा होता है? केसर, केसर ध्यान था ना? केसर का फ्लावर देखा है आपने? केसर को क्या कहते हैं आप लोग? सैफरन। इसका भी फ्लावर का कलर देखो कैसा होता है, है कि नहीं? लेवेंडर। और इस सैफरन के जो पीटल्स निकल रही है, स्टिग्मा जिसको कहते हैं, वो क्या है? केसर है, ठीक है। इसलिए टर्निप ध्यान रखना। टर्निप का कलर भी कैसा था? वाइट के साथ में क्या था? पर्पल रंग था। लास्ट लाइन, इसके अलावा, ठीक है, ये हो गया। अब उसमें पोटैटोज और टर्निप। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड रेल कनेक्टिविटी। कौन कौन से पासेस है? जैसे कि जोजिला पास, ठीक है। मतलब मैं कश्मीर वैली से लद्दाख जा सकता हूँ कैपिटल ले बाय विच पास? कश्मीर, सॉरी, विच जोजिला पास। मतलब इन हार्श एरियाज पर रिसोर्स को ये करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे क्या बनाए? तो पासेस बनाए। इसके अलावा जब लद्दाख में ठंडी बहुत ज़्यादा रहेगी तो लोग काम कर पाएंगे क्या? नहीं, तो फिर वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेजिंग इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। वो काम कब करेंगे? जनरली समर सीजन्स। और इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? तो बर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से बर्ड्स के नाम है? रॉबिन्स, इनका फोटो देखिएगा। दूसरा रेड स्टार्स, टिबेटियन स्नोकॉक, रैवन और होपू। ये वर्ल्ड के बेस्ट बर्ड्स है जो इंडिया में लद्दाख में देखे जाते हैं। ये सब किसके नाम से? तो कम से कम फोटो देखिएगा रॉबिन्स का, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स, ठीक है, अलग अलग एरियाज से। इसके अलावा लद्दाख में क्या है? तो वाइल्ड गोट्स है, ठीक है, वाइल्ड शिप है और याक है, और स्पेशल काइंड्स ऑफ क्या है? डॉग्स है। इन डॉग्स का फोटो देखना, लद्दाख डॉग्स का फोटो। इसके अलावा वहाँ पर क्या मिलेगा? तो याक से वो लोग क्या ले सकते हैं? मिल्क लेते हैं, इवन मीट और हाइड्स, चमड़ी का यूज़ करके लेदर वगैरह बन सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे याक के मिल्क से क्या भी यूज़ किया जाता है? चीज़ और बटर। इसका भी वर्ल्ड में डिमांड ज़्यादा है। एंड हेयर ऑफ शिप एंड गोट इज़ यूज टू मेक वुलन्स। और सबसे इम्पोर्टेंट तो टॉपिक दिया ही नहीं वहाँ पे, वो वाला क्या है? तो कौन सी गोट? पश्मीना गोट। पश्मीना शॉल देखा है ना? पश्मीना शॉल
कौन से गोट से आती है, तो पश्चिमा गोट से आती है। और पश्चिमा गोट कहाँ मिलती है, सिर्फ लद्दाख में मिलती है। इसके अलावा लद्दाख के इंपॉर्टेंट ट्रीज का नाम ध्यान रखना, विलो, जिससे क्या बनती है, बैट्स, और दूसरा पॉपुलर, पॉपुलर किससे, इवन माचिस की तीलियाँ बनती है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलर के ट्रीज का क्या बनते हैं, मैच स्टिक्स बनते हैं, और बैट्स के लिए क्या है, विलोज। और कौन से फ्रूट्स है, तो ड्यूरिंग द समर्स, विंटर में तो हो ही नहीं सकते फ्रूट्स, क्यों, क्योंकि ठंडी ज़्यादा रहेगी, फ्लावर कहाँ से निकलेंगे। तो समर्स में फ्रूट ट्री जैसे एप्पल, एप्रिकॉट्स, वॉलनट, ब्लू, मतलब अखरोट के पेड़ के पास क्या मिलेंगे आपको, एप्पल्स और एप्रिकॉट्स, ठीक है। और ये वर्ल्ड के डेजर्ट्स, मतलब जहाँ जहाँ डेजर्ट्स है वहाँ पे लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड होगी, और डेजर्ट्स की लाइफ तब और ट्रांसफॉर्म्ड होती जब वहाँ पे की रिसोर्स मिलते, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ ऑयल। पहले सहारा में जैसी लाइफ थी अभी है क्या, वेस्ट एशिया का कल एग्जांपल देखे, वैसा जो लाइफ था वैसा है क्या, नहीं है। ये लोग बाहर से खाना इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और लोग इमिग्रेशन करके, कल बताया था इंडिया में गल्फ के कितने लोग काम कर रहे हैं, 80 लाख, ठीक है, 8 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड के बेस्ट डेजर्ट, उसमें से अपने अपने कौन सा पढ़ा, वेल्ड्स के पास कौन सा था, कालाहारी, बुशमैन ट्राइब्स ऑफ कालाहारी, टोरेक्स ऑफ सहारा, रेड इंडियन ट्राइब्स ऑफ प्रेरिस देखा था, प्रेरिस ग्रासलैंड है, ठीक है। अमेरिका के डेजर्ट्स का नाम ध्यान रखो, मोहोव, सोनरन, अटाकामा ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हो गया आपका टॉपिक ख़त्म, अब लास्ट लेक्चर है अपना कल, और कल हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास के एनसीईआरटी। अब इस क्लास से एनसीईआरटी में पूरा नहीं कवर करूँगा, 8th क्लास के एनसीईआरटी में देखो इतना दिया है, 8th क्लास के एनसीईआरटी, पहला टॉपिक क्या है, रिसोर्स, लैंड, सॉइल, वाटर, एनवी और वाइल्ड लाइफ हम लोग कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने नोट्स में दे दिया उसको। हम लोग क्या कल पढ़ेंगे, लैंड, सॉइल, वाटर और रिसोर्स, ये कल का टॉपिक है। तो आपको घर जाके पढ़ाई करके आना है, कम से कम रिसोर्स से लेके तो वाटर तक उतना पढ़ लेंगे, ठीक है। वाटर नहीं भी करें तो एक काम करो, रिसोर्स, लैंड और सॉइल, ये कम से कम 3 पढ़ के आओ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बाद में ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक मैं कवर नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं नोट्स दे दिया चुका उसका। तो कल आपका 8th क्लास का एनसीईआरटी यहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, उतना पढ़ लीजिएगा, और फिर हम लोग उसमें क्वेरीज करेंगे कल। और घर जाके एनसीईआरटी का मीनिंग समझने की कोशिश करो, उनके ट्राइब्स देखो, लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होती है, ठीक है, उसके बारे में। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल जो मैं कल दिखाऊंगा, ये देखो कैसा लैंड ट्रांसफॉर्म्ड होता है, इस लैंड में देखो क्या समझ में आ रहा है, इस लैंड के 3 देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नोटिस इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन अबव पिक्चर, नोटिस इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर। यहाँ पे देखो ज़मीन चेंज हो रही क्या, नहीं, ज़मीन वैसी ही है, लैंडस्केप चेंज हो रहा है। पहले लैंडस्केप क्या था, फॉरेस्ट का था, अब फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट होकर क्या बन गया, एग्रीकल्चर की लैंड बन गई, ठीक है। धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड की भी कम कम होकर क्या बन रहा है, अर्बनाइजेशन। रिवर के पास एक ज़माने में जब फॉरेस्ट था, वो फॉरेस्ट तो पूरा ही कट गया, एग्रीकल्चर भी हट गई, क्या गया, अर्बनाइजेशन बढ़ गया कि नहीं। तो यहाँ पे वही लिखा है एनसीईआरटी ने, कि नोटिस कीजिए कि कितने बार लैंड चेंज हुई है, फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया डिफॉरेस्टेशन से एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर बन गया अर्बनाइज्ड एरियाज, इसको कहते हैं लैंड यूज पैटर्न। अब ये नेक्स्ट डायग्राम देखो, इस पैटर्न में क्या समझ में आ रहा है, लैंड यूज पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं। पहले लैंड क्या था इस एरिया का, उस पर खेती करते थे सब लोग, पीपल्स कम थे, नीड्स कम थी, एस्पिरेशंस कम थे, ठीक है, अलग अलग तरह के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। सन चेंज हुआ है क्या, ना सन चेंज हुआ है ना दिन चेंज हुआ है, लेकिन लैंड का मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं, और वो कौन करता है, ह्यूमन बींग्स। धीरे धीरे लैंड मॉडिफाइड होने लगी, ठीक है, वहाँ पे जो हाथ से काम कर, मैनुअल लेबर के जगह पे मैकेनिकल पावर आ गया, ठीक है, मैकेनिकल पावर्स पे और अर्बनाइज एरिया बढ़ गया, ठीक है। अब इनमें से कौन सा रिचेस्ट और कौन सा रिचेस्ट एरिया रहेगा, अब ये देखो सबसे पहले अर्बनाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ के क्या रहेंगे, कोर एरियाज रहेंगे कि नहीं, जैसे कि नागपुर का बर्डी और बेसा नागपुर का, इनमें रिचेस्ट लैंड वैल्यू किसकी रहेगी, हाँ नहीं, महंगा एरिया कौन सा रहेगा, बर्डी का रहेगा कि बेसे का, इसका मतलब नागपुर का कोर एरिया कहाँ से डेवलप हुआ होगा, मे बी इस एरिया से होगा। तो ये
कोर एरिया हुआ, और यहाँ पे लैंड का दाम कैसे रहेंगे, कम रहेंगे, और इस एरिया में लैंड के दाम ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखो पैटर्न चेंज हुआ, और धीरे धीरे नीड्स पॉपुलेशन बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, और पैटर्न चेंज हो गया। लाइट्स लग गए, एम्यूनिटीज़ आ गई, अर्बनाइज एरियाज बन गए, पूरी लैंड ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। ठीक है, लोगों का स्किल्स बढ़ा, लोगों का प्रोफाइल बढ़ा, लोग रास्ते से जगह पे क्या यूज़ करने लगे, प्लेन्स, मतलब कितना अच्छा डायग्राम बनाया है इस एरिया से। यहाँ पे पैटर्न देखो, यहाँ पे सिंपल सिंपल छोटे छोटे घर थे, और एक दो ही बड़ी बड़ी लैंड थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी। यहाँ पे पूरी इमारत कैसी हो गई, लाविश और बड़ी हो गई। मतलब ये किसका एग्जांपल हो, लैंड यूज़ चेंज का, चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम। ठीक है, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल इतना एनसीईआरटी पढ़ के आइए, कम से कम पहले चार चैप्टर्स।